मोनिका अग्रवाल और हम कर रहे हैं नीट क्रैश कोर्स 2021 फॉर फिजिक्स। तो आज मैं आपके सामने लाई हूँ वेव ऑप्टिक्स। जैसा आपको पता है लाइट के दो बेटे हैं, एक है रे ऑप्टिक्स और एक है वेव ऑप्टिक्स। जो पहला बेटा है रे ऑप्टिक्स, उसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो अब बारी है हमारे दूसरे बेटे के बारे में जानने की, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लिमिटेड टॉपिक है, बट हाँ ये एक उनमें से चैप्टर है जहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है या आपके कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से पढ़ना है क्या करना है, सो दिस वीडियो विल सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम। आपको जो भी कंसर्न है मैं सारी चीजें आपको गारंटी देती हूँ, सारे आपके प्रॉब्लम्स एकदम क्लियर हो जाएंगे। आपको खाली एक ही काम करना है, आपको एक ही जगह पे बैठ के ये वीडियो देखना है, सो के लेट के नहीं देखना है, हम कोई मूवी नहीं देख रहे हैं। तो आपको सीधा बैठना है, एक बुक और पेन लेना है, जो भी मैं आपको यहाँ करा रही हूँ उसको आपको नोट डाउन करना है। अगर आपके कुछ चीजें छूट जाती हैं, क्रॉस चेक करना है, तो आप प्ले स्टोर से एफर्टलेस फिजिक्स डाउनलोड करिए, वहां पे आपको जो भी मैंने लिखाया है इसका PDF मिल जाएगा, तो आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स इनिशियली थोड़ा थियोरी वाला पार्ट है। बेसिकली लाइट जो है ना, वो काफी सालों तक एक कंसर्न था कि भाई लाइट का नेचर कैसा है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था दुनिया में, कोई बोल रहा ये है, कोई बोल रहा वो है, कोई बोल रहा कुछ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो हम एकदम स्टार्टिंग में एकदम हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, एकदम पहले, तो सबसे पहले हमारे न्यूटन जी ने इसके बारे में बताया था। न्यूटन जी जो हर जगह, यानी फिजिक्स का ऐसा कोई सेक्शन नहीं होगा जहां उन्होंने कुछ ना कुछ फाइंड नहीं किया होगा, मतलब वो हर एक चीज में कुछ ना कुछ तो बताते थे। तो उन्हीं उसी तरह से लाइट में भी उन्होंने अपनी थियोरी, जो भी उनको पता चली वो उन्होंने बताई थी। तो इसको सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स कॉर्पस्क्युलर थियोरी। इन्होंने सबसे पहले बोला था कि लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, एंड इन पार्टिकल्स का नाम उन्होंने दिया था कॉर्पसल्स। इसकी वजह से उनकी थियोरी को हम कॉर्पस्क्युलर थियोरी बोलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने बताया लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एज कॉर्पसल्स। These corpuscles are very very tiny, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं, इनके पास कुछ खास मास नहीं होता। These are massless, तो ये बहुत छोटे हैं, ये massless है। Okay. उसके बाद उन्होंने बोला they travel with the speed of light and in a straight line. वो light की speed of light जो होती है, that is c, which is 3 × 10⁸, ये particles उस speed से चलते हैं और ये straight line में चलते हैं। अगर मीडियम चेंज हो जाएगा तो इनकी स्पीड भी चेंज हो जाती है। उसके बाद वी गेट द सेंसेशन व्हेन दिस पार्टिकल्स हिट द रेटिना, यानी हमको लाइट की फीलिंग, हमको दिखाई कब देता है, जब ये कॉर्पसल्स हमारी आंख पे आके गिरते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट कलर्स इज बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज, जैसे हमको रेड कलर, ब्लू कलर, ग्रीन कलर दिखता है। तो उन्होंने बोला था कि इसका रीजन है कि ग्रीन कलर के सारे पार्टिकल्स का साइज कुछ अलग होगा, रेड कलर के पार्टिकल्स का साइज कुछ अलग होगा, ब्लू कलर का साइज कुछ अलग होगा, तो जिसकी वजह से हमको अलग अलग कलर्स दिखाई देते हैं। ये जो पार्टिकल्स हैं ये रिजिड होते हैं, ना के बराबर वेट होता है, जैसे मैंने आपको बताया मासलेस, वेटलेस, एंड दीज आर इलास्टिक। ये उन्होंने अपनी थियोरी, उनके हिसाब से कॉर्पसल्स में ये सारी उनकी प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई थी। तो हम लोगों ने मान लिया कि ठीक है, ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं। उसके बाद उनसे पूछा गया कि बताइए न्यूटन जी, आप क्या क्या प्रूफ कर सकते हैं। तो न्यूटन की थियोरी ने हमको रिफ्लेक्शन प्रूफ करके बताया, वेरी गुड। उसके बाद उन्होंने रिफ्रैक्शन प्रूफ किया, क्या बात है। और उसके बाद उन्होंने रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, मतलब स्ट्रेट लाइन में लाइट ट्रैवल करती है, ये भी प्रूफ करके बता दिया। तो काफी सारी चीजें उन्होंने प्रूफ कर दी, बट बहुत सारी चीजें अब भी थी जो वो प्रूफ नहीं कर पाए। उनमें था इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन। कुछ बच्चों को इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन पता होगा, कुछ बच्चों के मन में ये सिर्फ नाम ही रह गए, उनको पता नहीं है ये क्या है। तो आप ये वीडियो के बाद मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी कि आपको ये समझ में आया कि नहीं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपके ये जो कॉन्सेप्ट, जो ढीले थे, आपको नहीं आते थे, वो क्लियर हुआ के नहीं। ठीक है, मैं आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, सब कुछ, कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा कि आपको नहीं समझेगा।
तो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डाइफ्रैक्शन फिलहाल आपके लिए कुछ फिनोमेनाज हैं जो ये प्रूफ नहीं कर पाए। पार्शियल रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन शायद आपको पता होगा, हमको अपना फेस भी दिखाई देता है, मतलब रिफ्लेक्शन भी हो रहा है और उस तरफ क्या है वो भी दिखाई देता है, मतलब दोनों चीज होती है, वो भी ये प्रूफ नहीं कर पाए। उसके बाद कुछ और ड्रॉबैक्स थे, इन्होंने ऐसे बोला कि डेंसर मीडियम में स्पीड ज्यादा होती है और रेयरर मीडियम में स्पीड कम होती है, हालांकि ये गलत है। स्पीड इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर कंपेयर टू डेंसर मीडियम। तो यहां भी इनकी ये जो थियोरी थी ये रॉन्ग प्रूफ हो गई। सब लोगों को बहुत खुश हो रहा है, न्यूटन जी रॉन्ग हो गए, भाई नहीं ये इस चीज में रॉन्ग हुए, बाकी बहुत जगह ये राइट थे, तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये भी पढ़ते हैं। ओके, उसके बाद इन्होंने ऐसा बोला था बेटा कि जो सोर्स है लाइट का उससे इन्फाइनाइट पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली बाहर निकलते जा रहे कॉन्स्टेंटली ऐसे निकल रहे, एक निकल रहे, दो निकल रहे, दस निकल रहे, हजार निकल रहे, लाख निकल रहे, करोड़ निकल रहे, सब पार्टिकल्स निकलते जा रहे। तो जो बल्ब है, जो लाइट है, क्या लगता है उसका मास कम होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए ना, भले ही बहुत छोटे हैं, बहुत नेग्लिजिबल मास है, लेकिन करोड़ों लाखों करोड़ों अरबों पार्टिकल्स एक साथ निकलेंगे तो क्या लगता है सोर्स का मास कम होगा कि नहीं? होना चाहिए। बट प्रैक्टिकली आप देखते हो, एक बल्ब लगाया आपने, 50 ग्राम का बल्ब है, क्या वो दो महीने बाद, तीन महीने बाद 45 ग्राम का, 40 ग्राम का, 35 ग्राम का होता है क्या? नहीं होता ना, मास ऑफ द सोर्स डजंट चेंज। तो ये भी उनका एक ड्रॉबैक था। अब उसी टाइम पे क्या हुआ, हाइजेंस थे, कोई ह्यूजेंस बोलता है, कोई हाइजेंस बोलता है, अपना अपना प्रोनंसिएशन है। तो हाइजेंस की थी वेव थ्योरी, उन्होंने बोला मेरे हिसाब से लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब वेव्स के दो तरीके हैं बेटा, एक है ट्रांसवर्स वेव्स, एक है लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल वेव अपना ये वाला, राइट, टिडिंग डिंग डिडिंग टिडिंग डिंग टिडिंग, ऋतिक रोशन सबको याद आ रहा है। तो मुझे हमेशा से, जब भी मैं स्कूल में थी यानी कॉलेज में थी, तभी भी मुझे हमेशा ऐसे याद रहता, दिस इज लॉन्जिट्यूडनल वेव एंड दिस इज माय ट्रांसवर्स वेव। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव, उन्होंने बोला कि लाइट इस तरह से हमारी आगे बढ़ती है, तो उन्होंने बोला था लाइट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव, वो अपने साथ एनर्जी और मोमेंटम लेके जाती है। दूसरा, उनके हिसाब से जो अलग अलग कलर्स हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। अब आप बच्चे तो हो नहीं, वेवलेंथ आप सबको अच्छे से पता है। उसके बाद उनसे एक सवाल पूछा कि ठीक है आपकी ये थ्योरी है, अब सन से अर्थ तक रेडिएशंस आ रहे हैं, लाइट आ रही है ना, सन रेज। अब आपको पता है ये हमारा अर्थ है, अर्थ के कुछ हिस्से में ही एटमॉस्फेयर है, बाकी पूरी जगह वैक्यूम है। तो सन से अर्थ तक रेज आए कैसे? बिकॉज दीज वेव, दीज लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स रिक्वायर सर्टेन मीडियम, बिना मीडियम के वो ट्रैवल नहीं कर सकते। तो उन्होंने ऐसा बोला कि जहां कुछ भी नहीं होता, जहां वैक्यूम होता है, ऐसी जगह पे भी एक मीडियम एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है ईथर या ल्यूमिनिफेरस ईथर। समझ में आ रहा है? उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन क्या था बेटा उनसे, कि सन से अर्थ तक रेडिएशन आए कैसे? बिकॉज आप बोल रहे हो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स है, अब लॉन्जिट्यूडनल वेव्स को तो मीडियम की जरूरत होती है, तो आप बताओ आपके सन से अर्थ तक रेज आए कैसे? तो अब वो सड़बड़ा गए, ओ भाई क्या करे क्या करे क्या करे। तो उन्होंने ऐसे बता दिया कि जहां दुनिया में कुछ भी चीज नहीं होती, वहां हमारा ये मीडियम होता है ल्यूमिनिफेरस ईथर। तो उनसे बोला ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या होती है? तो उन्होंने बोला डेंसिटी होती ही नहीं है, तो बोले कंप्लीट ट्रांसपेरेंट होता है। तो सब बोले भाई कि क्या बोल क्या रहे ये, बट ठीक है फिर उनका ये हमने मान लिया कि उन्होंने ऐसा ऐसा बोला, बट ये कम्प्लीटली रॉन्ग था। अब मैं आती हूँ उस बात पे। अब उनसे बोला ठीक है, फिलहाल ये उनकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब उनसे पूछा कि आप क्या क्या प्रूफ कर सकते हो, तो उन्होंने रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया। क्या बात है, रिफ्रैक्शन, क्या क्या बात है, पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अरे भाई इनसे तो ज्यादा जा रही है, इंटरफेरेंस, ओहो डिफ्रैक्शन, इतनी सारी चीज ये प्रूफ कर पाए। अब इनके कुछ ड्रॉबैक थे, क्या ड्रॉबैक थे, हाँ इन्होंने एक और चीज बोली थी कि स्पीड इन रेयरर मीडियम इज ग्रेटर देन इन डेंसर मीडियम, जो बिल्कुल सच है। ओके, उसके बाद ये प्रूफ नहीं कर पाए, ये अपने हाइजेंस ही अटक गए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नाना प्रूफ नहीं कर पाए। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, अब ये बोल रहे कि लाइट वेव जैसे चल रही है तो हमको स्ट्रेट लाइन में दिखाई क्यों देती है, ये वो प्रूफ नहीं कर पाए। फिर पोलराइजेशन है, ये तीन चीज वो प्रूफ नहीं कर पाए, और ल्यूमिनिफेरस ईथर का जो उन्होंने एग्जिस्टेंस बताया था वो भी कंप्लीटली रॉन्ग था। तो भाई अब ये जाके अटक गए, बट ये अटके उसी टाइम पे मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में स्टडी कर रहे थे। अब ये दोनों मिल गए,
अब मैक्सवेल ने ऐसा बोला कि तुम कुछ हद तक राइट बोल रहे हो कि लाइट जो है वो वेव्स है, बट वो लॉन्जिट्यूडिनल वेव नहीं है। तो कौन सी वेव है? वो है ट्रांसवर्स वेव, मतलब लाइट ऐसे 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 करते हुए आगे नहीं जाती, बल्कि लाइट ऐसे 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 आगे जाती है, राइट। हम डांस कर सकते हैं, फिजिक्स देखा हमको क्या क्या करा लेता है। इसे पहले वाला वीडियो भी आप लोगों ने देखा होगा, एमईसीयूस में भी मैंने आप लोगों ने मुझसे डांस करवाया, ये वीडियो में भी हम डांस कर रहे हैं। कितने मजे से हम पढ़ते हैं, सच बोलूं तो पढ़ाई को ऐसे लाइट हल्के वे में पढ़ते मजे करते हुए अगर हम पढ़ेंगे तो बहुत मजा आता है, पढ़ाई भी हो जाती है और दिमाग में भी रह जाता है। तो अब यहाँ पे हम कर रहे हैं कि लाइट इज ट्रांसवर्स वेव, तो उन्होंने ऐसा बोला। तो जो उनका पहला ड्रॉबैक था कि सन से अर्थ तक रेज आ कैसे रही है, अब ट्रांसवर्स वेव्स को मीडियम की जरूरत है क्या? नहीं, वो बिना मीडियम के भी ट्रैवल कर सकते, तो पहला ड्रॉबैक चला गया। क्या बात है। उसके बाद हालांकि एक और चीज बताओ बेटा, उन्होंने ना क्वांटम इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये भी प्रूफ नहीं किए थे, बस आपने तो लिखा ही बेटा, जगह नहीं थी, अब कहां लिखती, तो इसका मैं तुम लोगों को बता देती हूँ, ओके। उसके बाद रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन, जब उन्होंने बोला ना कि ये ट्रांसवर्स वेव है, तब ये उन्होंने ड्रॉबैक भी हटा दिया। कैसे हटाया सुनना, उन्होंने बोला कि जो लाइट है ना उसकी जो वेवलेंथ है वो बहुत ही छोटी है, बहुत ही छोटी, तो हमको ऐसा लगता है कि वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है। जैसे आप सबको पता है ये हमारी वेवलेंथ है, अगर इसको हम छोटा कर दे, इसको और चो 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 और छोटा करो, बस और छोटा करो, अगर ऐसे एकदम बहुत ही छोटा क्या, ये देखो क्या लग रहा है, हालांकि अभी भी थोड़ा वेव जैसा दिखाई दे रहा है, बट और ज्यादा छोटा हो जाए तो ये हमको बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जैसा दिखेगा, तो ये ड्रॉबैक भी हट गया। जो तीसरा ड्रॉबैक था पोलराइजेशन, वो भी ट्रांसवर्स वेव के होने से प्रूफ हो गया। तो अब क्या हुआ बेटा, ये जो न्यूटन की थ्योरी थी इसको डिस्कार्ड कर दिया गया था, बिकॉज इसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स थे। व्हाइल कंपेयर टू दिस हाइजेंस एंड मैक्सवेल कंबाइंड थ्योरी, दैट इज वेव थ्योरी, वो काफी हद तक सक्सेस हो रही थी, बट इनकी थ्योरी ने भी कुछ चीजें अभी भी प्रूफ नहीं की थी। उनमें है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन एंड क्वांटम इफेक्ट। तो उसके बाद आई फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी ने ऐसा बोला कि जो लाइट है दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स, बस वापस पार्टिकल्स, हाँ बेटा ये वापस पार्टिकल्स है, बट इन पार्टिकल्स का नाम फोटॉन्स है, ठीक है। तो अब जो फोटोन थ्योरी थी उसके ऊपर वापस एक चैप्टर है हमारा जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। उस फोटोन थ्योरी का भी कुछ ड्रॉबैक था और कुछ क्या बोल सकते हैं, कुछ सक्सेसेस थे। तो उनके सक्सेसेस में से वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, क्वांटम इफेक्ट, ये फोटोन थ्योरी ने प्रूफ कर दिया, बट इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन ये प्रूफ नहीं हो रहा था। तो भाई अब तो महा कंफ्यूजन हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये जो वेव थियोरी है ये कुछ फिनोमिना प्रूफ कर पा रही है, हालांकि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट प्रूफ नहीं कर पा रही। व्हाइल दिस न्यू थियोरी दैट इज अ फोटोन थियोरी कैन प्रूव ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, क्वांटम इफेक्ट, बट इट कैन नॉट प्रूव इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। तो भाई अब करे क्या, कौन सच्चा कौन झूठा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो भगवान का अवतार लेते हुए हमारे डी ब्रोगली साहब आए, उन्होंने बोला भाई लड़ो मत, कंफ्यूजन मत क्रिएट करो, ये जो है लाइट इसके दोनों प्रकार है। मतलब ये क्या है, मतलब लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल एंड लाइट बिहेव्स एज वेव, मतलब जब चाहो तब लाइट को पार्टिकल मान लो और जब चाहो तब लाइट को वेव मान लो, अपनी बोलते ना अपनी सुविधा के हिसाब से, जैसा कंडीशन सैटिस्फाई होती है उस तरह से आप इसको मान सकते हो। तो वेव ऑप्टिक्स में अपन लाइट का वेव नेचर ही पढ़ते हैं, हम उसका जो पार्टिकल नेचर है दैट इज फोटोन नेचर उसको हम टच भी नहीं करेंगे। तो इस चैप्टर में वी विल कंसिडर लाइट एज अ वेव, हाउएवर लाइट हैज ड्यूअल नेचर, उसके दो नेचर होते हैं, वो ना पार्टिकल है ना वेव है, इट इज अ ड्यूअल नेचर, इट हैव पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर, एंड दिस टॉपिक वी विल ओनली स्टडी अबाउट इट्स वेव नेचर।
मुझे लगता है मैं थोड़ा बहुत आपको इतने कम टाइम में जो भी हिस्ट्री थी वो आपको बता चुकी हूँ। मैं ये इतना इसके लिए बताया है ताकि कोई भी एमसीक्यू थियोरी वाला पार्ट आ जाए तो वो भी हमसे नहीं छूटना चाहिए। मेरा एक ही टारगेट है कि एमसीक्यूज एग्जाम में जो भी आए मेरे बच्चों को उनका फॉर्मूलाज और उनकी थियोरी अच्छे से आती हो। और अगर आप लोग इतना जितना मैं करा रही उतना कर लेते हो तो आपको काफी काफी हद तक सारी चीजें आ जाएंगी, आप एमसीक्यूज में अटकेंगे नहीं। ठीक है, चलिए बहुत बातें हो गई, अब आप लोग जरा ये कॉपी कर लीजिए। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया इस चैप्टर में हम सिर्फ उसके वेव नेचर पे फोकस करेंगे, तो पहले हम कुछ स्टार्ट कर देते हैं वेव नेचर पढ़ने के लिए। देख बेटा, ये है हमारा पॉइंट सोर्स, तो पॉइंट सोर्स से कुछ इस तरह से वेव निकल रही है, दिस इज क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, सिमिलरली ऐसा क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, सब जगह इस तरह से क्रेस्ट ट्रफ निकल रहा है। तो अगर हम यहाँ से r डिस्टेंस पे चले जाएं तो आपको यहाँ एक क्रेस्ट दिख रहा है, तो यहाँ से r डिस्टेंस पे भी आपको एक क्रेस्ट दिखेगा, यहाँ भी क्रेस्ट दिखेगा, यहाँ भी क्रेस्ट दिखेगा, यहाँ भी क्रेस्ट दिखेगा। तो हम इन सारे पॉइंट्स को अगर जोड़ दे सो यू विल गेट अ वेव फ्रंट। व्हाट इज अ वेव फ्रंट? वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इन अ मीडियम सच दैट ऑल द पॉइंट्स आर इन द सेम फेज। देख, जैसे यहाँ भी क्रेस्ट, 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 तो अगर हम सारे क्रेस्ट को जोड़ दे तो अपन को जो मिलता है उसको अपन वेव फ्रंट बोलते हैं। इसका उल्टा बोलूं तो बेटा, वेव फ्रंट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज। मतलब अगर इसका फेज 360 है तो इसका भी 360, इसका भी 360, इसका भी 360, इसका भी 360, मतलब हर एक पॉइंट का फेज हमको सेम मिलेगा। अब इसके बाद हाइजेंस ने एक और तरीका बताया था कि ये तो पहला वेव फ्रंट मिला, अब दूसरा वेव फ्रंट, तीसरा वेव फ्रंट कैसे मिलेगा? तो मैं बता देती हूँ, फिलहाल कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, थियोरी है बेसिकली वो, तो कि ये हमको पहला वेव फ्रंट मिला। अब उन्होंने ऐसा बोला, एवरी पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट एंड दे स्टार्ट एमिटिंग देयर ओन वेव्स। ये थोड़ा सा थियोरी है, अगर आपको सुनना है एज एन, खाली कुछ ऐसा खास है नहीं इसमें, खाली एक बार बता देती हूँ तो खाली सुन लो। तो यहाँ पे हर एक पॉइंट, जैसे ये वेव फ्रंट पे पॉइंट है, इट विल बिहेव एंड वो खुद की अपनी वेव्स बनाएगा, तो ये हमने नया वेव फ्रंट लिया। फिर यहाँ पे भी एक पॉइंट है, उसने अपनी खुद की वेव्स एमिट की तो हमको एक नया वेव फ्रंट मिला, छोटू सा वेव फ्रंट। फिर इसने हम लोग को ऐसे बनाया, एक नया वेव फ्रंट मिला। अब ये जो छोटे 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 वेव फ्रंट्स बने हैं, दीज आर अफेक्टिव ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में इसका कुछ एग्जिस्टेंस नहीं है। अब ये जो छोटे छोटे वेव फ्रंट्स मिले हैं, अगर आप इन पे टैंजेंट ड्रॉ कर दो और इन टैंजेंट्स को आप ज्वाइंट कर दो तो आपको एक नया वेव फ्रंट मिलेगा। जैसे मैंने आपको बताया ये थियोरी है, इसका कुछ भी एमसीक्यूज में रोल नहीं आने वाला है। समझ में आया तो ठीक है, याद रहे तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो ये पहला वेव फ्रंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से ऐसे वेव फ्रंट्स हमको मिलते जाते हैं। खाली वेव फ्रंट है क्या वो आपको समझना है, इट इज अ लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इन द सेम फेज। ठीक है, ओके, तो ये हो गया वेव फ्रंट। नेक्स्ट इज वेव नॉर्मल। बेटा वेव नॉर्मल क्या होता है? अगर इन्हीं पे अपन परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर दे, ये देखो ये परपेंडिकुलर लाइंस, ये परपेंडिकुलर लाइंस, ये परपेंडिकुलर इन वेव फ्रंट्स पे, तो ये जो परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं इन्हीं को हम वेव नॉर्मल बोलते हैं। सो व्हाट इज वेव नॉर्मल? इट इज द परपेंडिकुलर लाइंस ऑन द वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट पे जो मैंने परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की है इनको हम वेव नॉर्मल बोलेंगे। ठीक है, तो अगर एक पॉइंट सोर्स होगा तो उससे कैसे वेव फ्रंट्स बनेंगे? स्पेरिकल। बस ये तो सर्कल दिख रहे हैं, स्पेरिकल कैसे दिख रहे हैं? बेटा ये टू डायमेंशनल बोर्ड है, अगर मेरा सोर्स यहाँ है तो सब जगह डायरेक्शंस में फेंकेगा तो आपको एक स्पीयर मिलेगा। तो इसके लिए पॉइंट सोर्स, ये एमसीक्यू में आ सकते, इतनी ईजी चीज। पॉइंट सोर्स से कैसे वेव फ्रंट मिलते हैं? स्पेरिकल वेव फ्रंट मिलते हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ इंटेंसिटी का रिलेशन डिस्टेंस के साथ लिखा है। बेटा इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, सिंस इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, है ना? इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड स्क्वायर का डायरेक्ट रिलेशन है। ओके बेटा, अभी सोचो अगर यही पॉइंट्स हो, सब ये जो वेव फ्रंट्स आ रहे बेटा ऐसे आगे जाते से बड़ा 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 होता जाएगा, तो अगर अपन इसे एक सेक्शन देखें तो आपको ये ऑलमोस्ट प्लेन दिख रहा है कि स्पेरिकल दिख रहा है?
नहीं, अभी हमको एक बड़े से स्पीयर का ये सेक्शन हमको प्लेन दिखाई दे रहा है, जैसे अर्थ, अर्थ इज अ स्पीयर। बट हमको कभी भी हम चलते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम कर्व पार्ट पे चल रहे हैं, नहीं, बिकॉज वो बड़े से स्पीयर का एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हमको फ्लैट या प्लेन दिखाई देता है। ये भी वैसा ही है, अगर ये पॉइंट सोर्स ऐसे वेव फ्रंट बनाते जा रहे हो तो बड़े वेव फ्रंट, फिर बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे बड़े बड़े वेव फ्रंट बनते जाएंगे। तो अगर उसका हम एक हिस्सा ले लें तो इट अपीयर्स एज अ प्लेन वेव फ्रंट, तो वही हमारा नेक्स्ट है प्लेन वेव फ्रंट। यहाँ पे मैंने इसको ऐसे दिखाया है, तो क्या लिखा है इसका सोर्स कौन है, पॉइंट सोर्स एट इनफाइनाइट या लार्ज डिस्टेंस पे। अगर पॉइंट सोर्स होगा तो वहां से हमको वेव फ्रंट्स कैसे मिलेंगे बेटा, प्लेन, और ये जो मैंने ऑरेंज से ड्रॉ किया है दीज आर वेव नॉर्मल्स, बिकॉज वेव नॉर्मल्स, जैसे ये मेरा वेव फ्रंट हो गया तो इस पे मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, जो चौक से मैंने दिखाए थे लाइन, दीज आर नथिंग बट वेव नॉर्मल, ठीक है। इसका डिस्टेंस से कुछ भी लेना देना नहीं है, इंटेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस एंड एम्पलीट्यूड इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, इसके आर जीरो लिखा है, मतलब कुछ भी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट इज सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, ये ट्यूबलाइट जैसा है, दैट इज इसका सोर्स जो है वो एक लाइन सोर्स है, ये सोर्स है, तो इससे जो वेव फ्रंट बनता है वो सिलिंड्रिकल होता है और ये जो रेज मैंने ड्रॉ की है दीज आर द नॉर्मल्स, ओके। सो ये इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एंड एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट आर, ठीक है। तो यहां से ये आर का रिलेशन हमको मिल गया, तो तीनों टाइप के आपको वेव फ्रंट समझ में है बेटा। पहला है स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स कौन है, पॉइंट सोर्स। दूसरा है प्लेन वेव फ्रंट, उसका सोर्स पॉइंट सोर्स ही है बट एट अ लार्ज डिस्टेंस। और तीसरा है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट और उसका सोर्स है लाइन सोर्स, या स्लिट भी आप यूज कर सकते हो, स्लिट ये वर्ड भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये बेसिक चीजें मैं आपको ऑलरेडी रे ऑप्टिक्स में बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ बेटा, कि किसी, आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज सी विच इज 3 × 10⁸। किसी भी मीडियम में अगर आपको वेलोसिटी पूछी तो निकालने का तरीका है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ ऑफ दैट मीडियम। तो फ्रीक्वेंसी तो बेटा एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे चेंज नहीं होती, लेकिन वेवलेंथ होता है और वेलोसिटी भी चेंज होती है। अगर हम डेंसर मीडियम में जाते हैं तो वेलोसिटी कम हो जाती है और वेवलेंथ भी कम हो जाती है, बिकॉज वेलोसिटी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। याद आ रहा होगा म्यू टू बाय म्यू वन इज लैम्बडा वन बाय लैम्बडा टू इज वी वन बाय वी टू। तो वहां से किसी भी मीडियम का स्पीड निकालना है तो तरीका क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। किसी भी मीडियम का वेवलेंथ निकालना है सो द फॉर्मूला इज वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बार बार रिवाइज करने का, एज इन बार बार वही चीज रिपीट करने का कोई लॉजिक नहीं है। आप लोग का टाइम मुझे पता है बहुत इंपॉर्टेंट है तो मैं वो सब चीजें नहीं बता रही हूँ। दूसरी चीज, ये जो वेव थियोरी है बेसिकली हाइजेंस और मैक्सवेल की, इन्होंने रिफ्लेक्शन प्रूफ कर दिया था, रिफ्रैक्शन प्रूफ कर दिया था, मतलब रिफ्लेक्शन क्या, आई इज इक्वल्स टू आर, वो आपको पता है, तो आपको थीटा जी ग्लांसिंग एंगल वो सब पता होगा, वो यहाँ किसी किसी एमसीक्यू में यूज होता है। उसके बाद डेविएशन, ये सब मैं रे ऑप्टिक्स में करा चुकी हूँ। उसके बाद रिफ्रैक्शन भी उन्होंने प्रूफ किया, मतलब स्नेल्स लॉ, साइन आई बाय साइन आर इज म्यू टू बाय म्यू वन, ये भी दोनों चीज उन्होंने प्रूफ कर दी है, बट वो प्रूफ तो हम लोग के सिलेबस में है नहीं, लेकिन जो फॉर्मूलाज है जो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़े वही वेव ऑप्टिक्स में भी होंगे, तो फॉर्मूला में तो कुछ खास फर्क आएगा नहीं, वही आई इज इक्वल्स टू आर, फिर स्नेल्स लॉ मैंने बताया साइन आई बाय साइन आर इज म्यू टू बाय म्यू वन, फिर डेल्टा का फॉर्मूला डेविएशन इज 180 − 2i या 180 − 2r, या बस इतनी फॉर्मूलाज है, ठीक है, ओके, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट इज सुपर पोजिशन ऑफ वेव। सुपर पोजिशन ऑफ वेव क्या होता है बेटा, यानी एक ही जगह पे दो वेव्स आ गई, दोनों का एम्पलीट्यूड अलग अलग है, दोनों का फेज अलग अलग है, दोनों का पाथ अलग अलग है, लेकिन एक ही जगह पे दोनों ओवरलैप हो गए तो क्या होगा। तो बेसिकली एक ही जगह पे अगर दोनों वेव्स ओवरलैप होते हैं तो एक रिजल्टेंट वेव हमको मिलता है। इस
फिनोमेना को हम सुपर पोजिशन बोलते हैं, दैट इज ओवरलैपिंग ऑफ टू वेव्स। अब उसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इसके लिए मैंने ये वाला पार्ट जो है ये बच्चों को बहुत वीक होता है या उनको याद नहीं रहता है, इसलिए मैंने ये आपको पूरा डिटेल में समझाया ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड हो सके। पहला है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सबको पता है जब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ लाई करेगा तब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। जब क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ या ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट लाई करेगा तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, जैसे मैंने आपने आपको बताया है। अब हमारे पास दो वेव्स हैं, एक येलो वाली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A1 है और एक पिंक वाली वेव है जिसका एम्पलीट्यूड A2 है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट भले ही सेम नहीं है लेकिन अभी भी आप देख सकते हो कि यहां से ये दोनों कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में है। तो मैंने आपको आपको उसको थोड़ा फेज और पाथ समझाने के लिए थोड़ा सा डिटेल लिखा है। यहाँ पे येलो वाले का फेज 0 है, यहाँ पाई है, यहाँ 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई एंड सो ऑन आगे होगा। पाथ के टर्म से बात करूं, यहाँ येलो का पाथ है 0, यहाँ लैम्डा बाई 2, यहाँ लैम्डा, यहाँ 3 लैम्डा बाई 2, यहाँ 2 लैम्डा, यहाँ 5 लैम्डा बाई 2, यहाँ 3 लैम्डा। ये पता है ना, अगर अपन एक ऐसा पहाड़ चढ़ के जाते हैं तो आप फेस कितना चल लेते हो पाई और पाथ कितना चल लेते हो लैम्डा बाई 2, बिकॉज ये पूरा लैम्डा होता है। तो इसको यहाँ 0, यहाँ पाई, प्लस पाई 2 पाई, प्लस पाई 3 पाई, प्लस पाई 4 पाई और पाथ के टर्म्स में यहाँ से यहाँ लैम्डा बाई 2, प्लस लैम्डा बाई 2, प्लस लैम्डा बाई 2, प्लस लैम्डा बाई 2, ऐसे करते जाने का। सेम पिंक यहाँ से शुरू हुई है तो पिंक का फेज यहाँ 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ 3 पाई, यहाँ 4 पाई। पिंक का यहाँ पाथ 0, यहाँ लैम्डा बाई 2, यहाँ 2 लैम्डा बाई 2 विच इज यहाँ लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पिंक का पाथ आएगा लैम्डा एंड सो ऑन। अभी यहाँ पे येलो का फेज 2 पाई और पिंक का 0 पाई, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना है 2 पाई। इस जगह पे देखो येलो का फेज 3 पाई और पिंक का पाई, दोनों का डिफरेंस 2 पाई। पाथ के टर्म्स में येलो का पाथ लैम्डा, पिंक का 0, डिफरेंस कितना है लैम्डा। यहाँ निकाल लो 3 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 2 इज 2 लैम्डा बाई 2 विच इज अगेन लैम्डा। तो ये मैं इतना क्यों बता रही हूँ बेटा, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब भी फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई होगा हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। या तो फिर पाथ के टर्म्स में बोलूं तो 0 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, ऐसा होगा तब हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। ये बस ये बेसिक यही बताना चाहती हूँ। अगर ये डायग्राम कंफ्यूजिंग लग रहा है, ये मैंने खाली दोनों का फेज और पाथ बताया है ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो कंस्ट्रक्टिव कब हो रहा है, जब दोनों में डिफरेंस कितना है फेज का 2 पाई का और पाथ का लैम्डा। तो जब दोनों में 4 पाई का डिफरेंस होगा, 6 पाई का फेज डिफरेंस होगा, या पाथ के टर्म्स में बोले 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, तभी भी हमको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही मिलेगा। और उसकी जनरलाइज इक्वेशन कर दी 2n पाई और पाथ की जनरलाइज कर दी n लैम्डा या तो 2n लैम्डा बाई 2, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। 2n इज इवन मल्टीपल, हमेशा इवन ही मल्टीपल आएगा। तो पाई का अगर इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव, लैम्डा बाई 2 का इवन मल्टीपल है तो कंस्ट्रक्टिव। या तो लैम्डा में 2 कट करोगे, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा भी आपको कंस्ट्रक्टिव ही देगा। उसी तरह से मैंने यहाँ डिस्ट्रक्टिव के थोड़ा सा डिटेल वापस बताई है बेटा। यहाँ तेरा येलो का फेज 0, यहाँ पाई, पिंक का यहाँ फेज कितना है 0, तो अभी फेज डिफरेंस कितना है इस जगह पे दोनों का पाई, तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव आ रहा है ना। देख इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ, इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ, तो यहाँ डिस्ट्रक्टिव फॉर्म हो रहा है। तो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, सो ऑन। एंड पाथ के टर्म्स में लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, इन दोनों को जनरलाइज किया, इट इज एन इवन मल्टीपल, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या तो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, वेर हियर m इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड यहाँ पे n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, ठीक है ना। तो यहां से इस सेक्शन से आपको इतना ही याद रखना है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ पाई एंड पाथ के टर्म्स में इट इज एन लैम्डा या तो फिर इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2।
डिस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ पाई या तो फिर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैंने आपको बोला 7 पाई तो 7 इज एन ऑड मल्टीपल ना, तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। मैंने आपको बोला 12 पाई, 12 इज इवन तो वो कंस्ट्रक्टिव होगा। मैंने आपको बोला 19 पाई, सो 19 पाई इज अगेन डिस्ट्रक्टिव बिकॉज इट इज ऑड मल्टीपल। तो फेज डिफरेंस इतना टफ नहीं है। थोड़ा सा कंफ्यूजन पाथ डिफरेंस में आता है, ध्यान से सुनेंगे। अगर मैंने आपको बोला 5 लैम्डा तो 5 लैम्डा इज कंस्ट्रक्टिव। बच्चे इसको डिस्ट्रक्टिव करके आते हैं, बोलते बस 5 तो ऑड है। बेटा लैम्डा बाई 2 का मल्टीपल अगर इवन है, लैम्डा बाई 2 के टर्म्स में अगर इवन और ऑड है, तो आप उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि वो कंस्ट्रक्टिव है कि डिस्ट्रक्टिव। अदरवाइज अगर लैम्डा बाई 2 नहीं, जैसे मैंने 5 लैम्डा बोला, 6 लैम्डा बोला, 7 लैम्डा बोला, तो वो सब कंस्ट्रक्टिव ही होगा। समझ में आ रहा है? थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे पता है, वापस सुना। मैंने ऐसे लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 6 लैम्डा, 7 लैम्डा कुछ भी बोला तो वो कंस्ट्रक्टिव ही होगा बाय डिफॉल्ट। अगर मैंने ऐसा बोला 5 लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 जब बोला तो 5 इज ऑड, तो वो डिस्ट्रक्टिव है। समझा? अगर मैंने बोला 7 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, 7 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव, 12 लैम्डा बाई 2 तो 12 लैम्डा बाई 2 तो 6 लैम्डा होता है, तो दोनों वे में से कोई भी वे करो कंस्ट्रक्टिव ही आएगा। 12 लैम्डा बाई 2 इज एन इवन मल्टीपल ना। 19 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, 19 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव, 21 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, 21 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव, 15 लैम्डा कंस्ट्रक्टिव, 15 लैम्डा बाई 2 डिस्ट्रक्टिव। समझ में आ रहा है? तो अगर लैम्डा बाई 2 होगा तो इवन या ऑड देखने का, तब आपको पता चलेगा कि डिस्ट्रक्टिव है कि कंस्ट्रक्टिव। या तो अगर खाली लैम्डा है तो 1 होने दो, 2 होने दो, 3 होने दो, 5 होने दो, 10 होने दो, 7 होने दो, कुछ भी होने दो, वो कंस्ट्रक्टिव ही होगा। ठीक है, मैं इस पर ज्यादा प्रेशराइज करके इसके लिए बोल रही हूँ बिकॉज यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं। सो आई वॉन्ट आपकी ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, सो प्लीज बी अ लिटिल केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस। ठीक है, चलो कॉपी करिए। बेटा अभी जो सुपरपोजिशन पढ़ा है उसके कुछ रिजल्ट देखते हैं। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होगी, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये एक वेव है जिसका इक्वेशन है y1 इज a1 sin ओमेगा t, और ये दूसरी वेव है इसका इक्वेशन है y2 इज a2 sin ओमेगा t प्लस 5। तो यहाँ पे ये दोनों सुपर इम्पोज हुई, तो सुपर इम्पोज होने के बाद हमको कुछ रिजल्टेंट इक्वेशन मिला y = r sin ओमेगा t प्लस डेल्टा। तो ये जो रिजल्टेंट वेव हमारी बनी है इसका जो r है वो क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। ये ओमेगा टी प्लस डेल्टा क्या है, उसका फेज। तो इसमें आपको आर और डेल्टा निकालना होगा। तो पहले मैं आर और आई की बात करती हूँ, फिर डेल्टा का फॉर्मूला भी आपको मैं बता दूंगी। तो बेटा पहला है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, तो ये बिल्कुल आप इसको वेक्टर्स की तरह ट्रीट करेंगे। वेर a1 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव, a2 इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकेंड वेव, एंड r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और इन दोनों के बीच में जो फेज का डिफरेंस है दैट इज 5। तो आप क्या लिखोगे, r इज इक्वल टू अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos 5। ये जनरल फॉर्मूला हमारा हो गया। अगर दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, जिसको हमने a नाम दे दिया, तो रिजल्टेंट विल बी 2a cos 5/2। इतना समझा? ओके। अब मैक्सिमम कब होगा बेटा तेरा एम्पलीट्यूड, जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा, जब जो फेज डिफरेंस है दैट इज 5, दैट इज ईदर 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, जो जस्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और हमारा एम्पलीट्यूड हो जाएगा a1 प्लस a2। अगर a1 और a2 दोनों सेम निकले बेटा तो एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम विच इज इक्वल टू 2a। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब मिनिमम एम्पलीट्यूड कब होता है बेटा, जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में फेज डिफरेंस कितना होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, 9 पाई एंड सो ऑन।
तो वो टाइम पे जो हमारा एम्पलीट्यूड होगा वो हो जाएगा आर मिनिमम विच इज ए वन माइनस ए टू। अगर दोनों सेम हो गए बेटा, ए वन इज इक्वल टू ए टू इज इक्वल टू ए, तो आपका आर मिनिमम हो जाएगा जीरो, मतलब हमारी जो वेव है उसका कुछ भी एम्पलीट्यूड होगा ही नहीं, इंस्टेड आपकी वेव बनेगी ही नहीं, दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया होगा, समझा। तो ये सारी पूरी चर्चा जो थी वो बेटा आपके एम्पलीट्यूड की थी। तो एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला ये वाला है, जनरल फॉर्मूला। अगर दोनों एम्पलीट्यूड सेम हुए तो आपको वेक्टर वाला फॉर्मूला पता होगा, सबसे फर्स्ट चैप्टर अपन वेक्टर किया था तब मैंने आपको ये बताया था। उसके बाद ये आर मैक्स का फॉर्मूला जनरल, और ये आर मिनिमम का फॉर्मूला, ठीक है। अब थोड़ी बहुत बात करते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। सो आई वन इज द इंटेंसिटी ऑफ वेव वन विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू उसका एम्पलीट्यूड, दैट इज ए वन का स्क्वायर। I2 is the intensity of the second wave, उसका amplitude A2 है, तो उसकी intensity is directly proportional to A2 square. Resultant का amplitude है R, और resultant की intensity हमने IR मानी, so therefore IR is directly proportional to R square. अब बेटा जो intensity का formula है, आप चाहो तो इसको amplitude के terms में लिखो, और आप चाहो तो इसको intensity के terms में लिखो। तो पहले मैंने amplitude के terms में लिखा है, तब यहाँ proportionality का ये symbol आएगा। अगर आपको equal to डालना है तो डाल देना, लेकिन वहां पे फिर constant k आएगा, ठीक है। मैंने फिलहाल इसको proportionality में ही रखा है, तो ये हो गया IR is directly proportional to R का स्क्वायर। R मतलब ये इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर और रूट कट गया, तो मुझे मिला ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। और इसी को अगर मैं इंटेंसिटी के टर्म्स में लिखती हूँ बेटा, तो ये फॉर्मूला हो रहा है आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव। ये जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है और काफी इजी सेक्शन है, और बच्चे ये वाले सेक्शन से मिस्टेक करते हैं। एंड यू नो आपको मिस्टेक नहीं करनी, बिकॉज मैंने पहले ही बता दिया है, तो आपसे तो मिस्टेक होगी नहीं। तो बट आपको करना क्या होगा, जो जो चीज बोल रही हूं थोड़ा ध्यान से, ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला जरा नोट कर लेना। अगर दोनों इंटेंसिटी सेम हुई बेटा, आई वन इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई वन इज इक्वल टू आई टू इज इक्वल टू आई, तो I प्लस टू I cos phi हो जाएगा बेटा। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको इसका आंसर आ जाएगा 2I cos square phi by 2। अगर दोनों इंटेंसिटीज सेम है तो ये हमारी रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब जैसे इसमें अपन ने एम्पलीट्यूड मैक्सिमम निकाला, उसी तरह से इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, कब होगी, जब फेज डिफरेंस 0, 2 पाई 4 पाई तब हमारी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। तो उसका फॉर्मूला पहले मैंने एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लिखा बेटा, आई मैक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर मैक्स का स्क्वायर, वेयर आर मैक्स इज ए वन प्लस ए टू द होल स्क्वायर, एंड आई मैक्स इंटेंसिटी के टर्म्स में रूट आई वन प्लस रूट आई टू द होल स्क्वायर। यहाँ भी प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल है बेटा ये, I minimum is directly proportional to A1 minus A2 the whole square, या I minimum is equal to root I1 minus root I2 the whole square. अभी मैंने इसको रेशियो के फॉर्मेट में लिखा, A1 plus A2 by A1 minus A2 the whole square, तो अभी आप दोनों जगह कॉन्स्टेंट लिखोगे वो कैंसल हो जाएगा, तो आप इक्वल टू ही लिखो, रेशियो है ना बेटा। एंड दिस इज रूट आई वन प्लस रूट आई टू द होल स्क्वायर अपॉन रूट आई वन माइनस रूट आई टू द होल स्क्वायर इज आर प्लस वन अपॉन आर माइनस वन द होल स्क्वायर। मिस ये आर क्या है बेटा, ये जो ए वन बाई ए टू है और रूट आई वन बाई रूट आई टू, इसको हम आर नाम दे रहे हैं, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकती हो, समझ में आया। एक और चीज बेटा चाहिए तो नोट कर लो, आई मैक्स है ना इंटेंसिटी, अगर सपोज आई वन और आई टू, यहाँ लिख देती जगह कम है बेटा, अगर I1 और I2 तेरे इक्वल हुए तो फिर I max का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, 4I। दिस इज द मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉसिबल। अगर I1 I2 सेम है एंड ये I के बराबर है, तो जो I max है वो 4I होगा। कभी भी आपकी इंटेंसिटी अगर दो वेव सुपर इम्पोज हो रही है 4I से ज्यादा नहीं हो सकती। और मिनिमम इंटेंसिटी तो आपको पता है, इफ I इज इक्वल्स टू I1 is equals to I2, तो आपका I minimum आ जाएगा zero. Is this clear? ठीक है,
अभी हमारा एक डेल्टा का फॉर्मूला रह गया है, उसको मैं यहां लिख देती हूँ बेटा। डेल्टा का फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा इज टैन इनवर्स ए टू साइन फाइव अपॉन ए वन प्लस ए टू कॉस फाइव। ये बिल्कुल वेक्टर्स की तरह हमने इसको ट्रीट किया, आपको पता होगा पी और क्यू दो वेक्टर्स होते हैं, तो अपन कैसे लिखते हैं, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये उसी तरह से हमने फॉर्मूला लिखा है। ठीक है, अब ये आप पूरा कॉपी कर। ओके बेटा, आगे बढ़ते हुए, ये मैंने बहुत मेहनत से इतना ब्यूटीफुल डायग्राम ड्रॉ किया सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आप लोग को समझाने के लिए मैंने एकदम सुंदर सा डायग्राम ड्रॉ किया है और एकदम मस्त आया भी है, एकदम प्रॉपर डायग्राम आया, एक ही बार में ड्रॉ कर लिया, एकदम मस्त है। आप पढ़ाने में बहुत मजा आएगा और तुम लोग को समझने में बहुत मजा आएगा, देखना। चलिए पहले फटाफट ये छोटी छोटी चीजें से खत्म कर लेते हैं। यहां दिया है रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, मतलब अगर आपको फेज का डिफरेंस दिया हो और पाथ डिफरेंस पूछा हो तो क्या हमको निकालना आता है? बिल्कुल आता है, ये फॉर्मूला लगा देंगे। या उल्टा, पाथ डिफरेंस दिया है, फेज डिफरेंस पूछा, जैसे पाथ डिफरेंस लैम्बडा बाई टू है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस लैम्बडा है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। दूसरा एक टाइम डिफरेंस और फेज डिफरेंस का एक और फॉर्मूला दिया है, वो दोनों हम देखते हैं। तो पहला है बेटा, ये डेल्टा फाइव इज द फेज डिफरेंस, सो फेज डिफरेंस इज 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू डेल्टा एक्स, वेयर डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस, दिस इज पाथ डिफरेंस एंड दिस इज फेज डिफरेंस। दूसरा, डेल्टा फाइव इज 2 पाई बाय टी इनटू डेल्टा टी, दिस इज द टाइम डिफरेंस एंड दिस इज द फेज डिफरेंस। तो ये दो रिलेशन है, एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ ताकि समझ में आ जाए। बट अभी मैंने तुझे लैम्बडा बाय टू बोला था, तो अगर लैम्बडा बाय टू हमारा टाइम डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस कितना होगा, 2 पाई बाय लैम्बडा इनटू लैम्बडा बाय टू, लैम्बडा ने लैम्बडा को, टू ने टू को मार दिया, तो मुझे फेज डिफरेंस पाई आया। और ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूं, जब मैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव कर रही थी बेटा, तो लैम्बडा बाय टू होता है तब पाई होता है, ऐसा ही बताया था ना, तो ये आ गया। चलिए तो टाइम का भी ले लो, टी बाय फोर दिया है, दिस इज डेल्टा टी, तो फेज डिफरेंस पूछा है, सो डेल्टा फाइव इज 2 पाई बाई टी इंटू टी बाय फोर, टी ने टी को, इसने इसको मार दिया, तो फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई टू। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। यहाँ कहाँ अटकते हैं बेटा, आपको बेसिकली इंटेंसिटीज दी होती है, जैसे आई वन दे दिया, आई टू दे दिया और पाथ डिफरेंस दिया है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाली, तो बच्चे अटक गए। और अभी क्या करें बेटा, ये भूल गए तुम लोग, अगर आपको पाथ डिफरेंस दिया है तो हम फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, और फेज डिफरेंस का तो फॉर्मूला है, आई आर इज आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन रूट आई टू कॉस फाइव। जिस तरह से मुझे फॉर्मूलाज याद है उसी पेस में आपको भी याद रह जाएंगे, बस एक ही चीज है बेटा, बार बार रिवाइज करते जाओ, एक बार अच्छे से समझ लो पहले और फिर रिवाइज करो। ठीक है, अब हम आते हैं एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट, दैट इज इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस में क्या होता है, सबसे पहले हमारा एक मेन सोर्स है बेटा, इस सोर्स से ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ बन रहे, ये है क्रेस्ट, ये है ट्रफ, ये है क्रेस्ट, ये है ट्रफ, इस तरह से ये बनता है, फिर वापस क्रेस्ट। अब क्या किया हमने, हमने यहाँ पे कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में हमने दो स्लिट्स या होल्स बोल दो, फिलहाल होल्स दिख रहे हैं बट ये आइडियली होल्स नहीं है, ये दो स्लिट्स है, ऐसे ब्लेड की दो स्लिट्स हमने कट कर दी है। तो जैसा आपको पता है हाइजेंस ने क्या बताया था, एवरी पॉइंट ऑन अ वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट, तो यहाँ ये येल्लो वाला पहुंचा और यहाँ ये येल्लो वाला पहुंचा, सो दीज आर बिहेविंग लाइक अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट और वो खुद अपनी वेव्स बना रही है। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट्स ने खुद अपनी वेव्स बनाई, क्रेस्ट ट्रफ, येल्लो इज क्रेस्ट एंड पिंक इज ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ, ऐसे बनाया। अब ये रीजन में वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए, मतलब सुपर पोजिशन हुए, और यहाँ पे हमने कहीं पे स्क्रीन रखी है, ये स्क्रीन की जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल डी से डिनोट करेंगे, दिस कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, एंड दो स्लिट्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम स्मॉल डी लेते हैं बेटा, दिस डिस्टेंस इज स्मॉल डी, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स, या तो बोल देते हैं डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस। ठीक है, ओके। अब तो हमने ओवरलैपिंग देखा, ओवरलैपिंग कुछ इस तरह से हुई बेटा,
येलो के ऊपर येलो मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, और पिंक के ऊपर पिंक मतलब ट्रफ के ऊपर ट्रफ। तो क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट। तो इस तरह से हमको मिला ब्राइट पॉइंट, तो यहाँ हमको मिला सेंट्रल ब्राइट। उसके बाद जहां क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट आएगा वहां हमको डिस्ट्रक्टिव मिला, जो मैंने व्हाइट से दिखाया, क्रेस्ट पे ट्रफ, क्रेस्ट पे ट्रफ, क्रेस्ट पे ट्रफ। तो यहां हमको मिला डार्क पॉइंट। सो दिस इज द फर्स्ट डार्क। दिस इसको आपने फर्स्ट ब्राइट क्यों नहीं बोला? बेटा वो सेंटर में है ना, इसको उसका नाम सेंट्रल ब्राइट है, ठीक है। उसके बाद हम ऊपर गए, यहाँ ब्लू डॉट्स दिख रहे हैं आपको, वो बताता है कि क्रेस्ट पे क्रेस्ट और ट्रफ पे ट्रफ है। मीन्स अगेन वी आर गेटिंग अ ब्राइट पॉइंट। सो दिस इज द फर्स्ट ब्राइट। फिर उसके बाद हम ऊपर जाएंगे तो हमको मिलेगा सेकेंड डार्क। उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो सेकेंड ब्राइट, देन थर्ड डार्क एंड देन थर्ड ब्राइट। इस तरह से हमको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है, बिल्कुल मिरर इमेज इसका नीचे फॉर्म होता है। मतलब ये है हमारा फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क, सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क, थर्ड ब्राइट। कुछ इस तरह से हमको स्क्रीन पे ये पैटर्न बनती है, और इसी ब्यूटीफुल पैटर्न को हम इंटरफेरेंस पैटर्न बोलते हैं। तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्या होता है बेटा? एक सोर्स है, उसके हमने दो सोर्स बनाए, वो दोनों सोर्स ने अपने अपने वेव्स बनाए, वो दोनों वेव्स सुपर इम्पोज ओवरलैप हुआ और हमको स्क्रीन पे कुछ पैटर्न बनते हुए दिखा, जिसमें बीच में बिल्कुल सोर्स के एग्जैक्टली सामने हमको सेंट्रल ब्राइट मिला, देन फर्स्ट डार्क सेकेंड ब्राइट, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क सेकेंड ब्राइट। इस तरह से हमको इमेज मिली। अब क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे है ना, इसको मैं नाम दे रही हूँ जीरो। नंबरिंग कर रहे हैं नॉर्मल, ये नंबर वन है, ये टू, यानी अपन जीरो पे है सेंटर ब्राइट, सेंटर ब्राइट से ऊपर जो नंबर है उसको वन टू, नॉर्मल नंबरिंग थ्री फोर फाइव सिक्स, नीचे भी वैसे ही हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसको मैं नाम दे रही हूँ पी, पी, ये जो नंबरिंग है इसको हम नाम दे रहे हैं पी, ठीक है। ओके, अब मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, ध्यान से सुनना, जितने भी ऑड नंबर्स हैं, ऑड पी पी जितने भी ऑड है ना, वहां पे आपको डार्क मिल रहा है, ध्यान से देखना। जैसे फर्स्ट डार्क, थर्ड डार्क, फिफ्थ डार्क, और जितने भी इवन पॉइंट्स हैं वहां हमको ब्राइट मिल रहा है। सेकंड पे इवन, इवन पे ब्राइट, फोर्थ इवन ब्राइट, सिक्स्थ इवन ब्राइट। तो यहां से क्या समझ में आता है बेटा, कि जब भी जो काउंटिंग हम सेंटर से करते हैं, अगर ये नंबर हमारा ऑड है तो वो पॉइंट डार्क होगा, और अगर वो काउंटिंग वाला पॉइंट इवन है तो वो ब्राइट होगा। जैसे मैंने आपको बोला सेंटर से वो जो नंबर पी है दैट इज एट, तो एट इज इवन सो दैट इज ब्राइट। ये अगर मैंने बोला 17 तो 17 इज ऑड सो दैट नंबर विल बी डार्क। तो इतना समझ में आया कि अगर इवन है तो ब्राइट, ऑड है तो डार्क। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जैसे थर्ड है तो ऑड तो डार्क होगा, लेकिन कौन से नंबर का डार्क होगा? सो दैट इज सेकेंड डार्क। फोर्थ है तो इवन, तो हमको ये पता है कि ब्राइट होगा, लेकिन कौन से नंबर का ब्राइट है? दैट इज सेकेंड। तो अभी आपको मैंने पूछा जैसे एट है, तो एट आपने बोला मिस ब्राइट होगा क्योंकि वो इवन है, लेकिन कौन से नंबर का ब्राइट होगा? तो हम कैसे निकालेंगे? या तो दूसरी चीज, मैंने आपको 17 बोला तो 17 आपने बोला मिस ऑड है तो वो डार्क होगा, कौन से नंबर का डार्क होगा? उसके लिए मैं यहाँ फॉर्मूला लिख रही हूँ, ध्यान से देखना, जगह कम है सुन लेना बेटा। P इज ऑड सो पॉइंट इज डार्क, ये तो समझ गया ना बेटा, बत्ती जल गई। अब कौन से नंबर का डार्क है उसको हम, डार्क को मैं एम से डिनोट करती हूँ, तो आपको सिंपली प्लस वन करना है और डिवाइड बाई टू करना है। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में 17 बोला था तो 17 इज और, तो आपको पता चल गया वो डार्क है। अगर आपको पूछा है कौन से नंबर का डार्क है तो यू हैव टू ऐड वन, 17 प्लस वन इज 18, 18 डिवाइड बाय 2 सो दैट इज नाइन्थ डार्क पॉइंट। उसी तरह से यहां करते हैं बेटा P, अगर P आपका इवन है तो ये जो पॉइंट है
दिस इज अ ब्राइट. कौन से नंबर का ब्राइट है? सो एन इज सिंपली पी डिवाइडेड बाय 2, मतलब आपको सिंपली 2 से डिवाइड करना है अगर इवन है तो. जैसे 8 पॉइंट बोला था तो 8 इवन है तो वो ब्राइट है, वो समझ गया. कौन से नंबर का ब्राइट है? तो वी विल सिंपली डिवाइड बाय 2, मतलब 8 बाय 2 इज 4th, सो दैट विल बी 4th ब्राइट पॉइंट. समझा? ऐसे कोई भी चीज निकाल सकते हो. मैंने आपको 21 बोल दिया बेटा, तो 21 ऑड है तो पॉइंट डार्क होगा, तो आप प्लस 1 करोगे क्योंकि ऑड है. कौन से नंबर कौन से नंबर का डार्क है? सो 21 प्लस 1 दैट इज 22, सो 22 डिवाइडेड बाय 2 तो हमको पता चल जाएगा इट इज 11th डार्क. अगर मैंने आपको बोला बेटा 16, तो 16 आपको पता चल गया इवन है तो वो ब्राइट होगा. कौन से नंबर का ब्राइट होगा? तो सिंपली डिवाइड बाय 2, 16 डिवाइडेड बाय 2, सो दैट इज 8, सो इट विल बी 8th ब्राइट पॉइंट. क्लियर? ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहीं से इंटरफेरेंस शुरू हो रहा है. बहुत सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ. ये एकदम बेसिक चीज थी, ये बेसिक सेटअप था जो मैंने आपको बताया है. चल कॉपी करिए. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट कंफ्यूजिंग सेक्शन है, बट ट्रस्ट मी मैं आपको पूरा अच्छे से कराने वाली हूँ, आपका एकदम क्लियर हो जाएगा. ध्यान से सुनना, अभी नेक्स्ट 10 मिनट्स कंप्लीट अटेंशन हियर. ओके, अब देख बेटा, ये हमारा मेन सोर्स है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. ये कार्डबोर्ड है जिसमें हमने दो होल्स किए हैं, S1 और S2. दिस S1 एंड S2 विल बिहेव लाइक अ सेकेंडरी सोर्स और वो अपनी अपनी वेव्स बनाएंगे. इन S1 और S2 के बीच में जो डिस्टेंस है हम उसको स्मॉल d से डिनोट करते हैं. यहाँ हमारी स्क्रीन है जहां पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनने वाली है. इसकी डिस्टेंस यहाँ से कैपिटल D हमने ली है. यहाँ पे कहीं पे भी एक पॉइंट है P. इस पॉइंट P पे S1 से भी लाइट जा रही है और S2 से भी लाइट जा रही है, वो मैंने येल्लो कलर से दिखाया है, और सेंटर से एक लाइन खींची है जिसको मैंने पिंक कलर से दिखाया है. अब बेटा यहाँ पे जो पॉइंट P है ये ब्राइट होगा कि डार्क, ये डिपेंड करता है कि दोनों के बीच में जो पाथ डिफरेंस है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है कि वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 है. ये पाथ डिफरेंस क्या है मिस जिक बेटा? यहाँ से S1 से P जा रही है तो इसको इतना रास्ता चलना है इस लाइट को. अब S2 से जिसको P तक पहुंचना है उसको ये रास्ता चलना है, तो ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा किसको ज्यादा चलना है. S2 P को ज्यादा चलना है S1 P से. कितना ज्यादा चलना है तो इसको निकालने के लिए हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ये परपेंडिकुलर की डिस्टेंस निकाली. एक्चुअली है ना बेटा, ये जो कैपिटल D है ना, ये स्मॉल D से बहुत ज्यादा बड़ा है. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि ये दोनों रेस पैरेलल है. आइडियली पैरेलल नहीं है बट हम ऐसा मान रहे हैं. जैसे बेटा मेरी दो फिंगर्स है, ये एक लेंथ इसकी कुछ x है, इसकी कुछ x डैश है. आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस यानी डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इससे यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और ये ऊपर वाली लेंथ निकाल लेंगे. वही तरीका हम यहां करते हैं. हमने यहां से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये आपका हो जाएगा पाथ डिफरेंस दैट इज डेल्टा x. समझा? सब ये समझते जाओ वेरिएबल्स क्या यूज कर रहे, कैपिटल D, स्मॉल D, डेल्टा x. व्हाट डेल्टा x इज द पाथ डिफरेंस. इसको S1 से P जाना है, इसको S2 से P जाना है. S2 P डिस्टेंस ज्यादा बड़ा है. कितना ज्यादा है, इसको कितना ज्यादा चलना है, तो हमने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और ये जो डिस्टेंस है इसको डेल्टा x नाम दिया. अभी ये जो पॉइंट P है इसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है इसको नाम मैंने x दे दिया. इतना समझ में आया? और ये जो एंगल बन रहा है बेटा, ये एंगल थीटा, और इसको भी एंगल थीटा नाम दिया. नाउ S2P माइनस S1P इज डेल्टा x विच इज द पाथ डिफरेंस. अगर ये पाथ डिफरेंस P लैम्डा बाई 2 है, अगर ये P इवन है, इवन तो ये इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 बन जाएगा ना बेटा, तो ये पॉइंट कैसा होगा, ब्राइट, मतलब P ब्राइट होगा. लेकिन अगर ये P ऑड है तो वो पॉइंट कैसा होगा, डार्क. मतलब जब अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं वही है बेटा. अगर हमारा पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ तो वो ब्राइट होगा, और अगर वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ तो वो डार्क होगा. तो मैंने वही लिखा, डेल्टा x इज P लैम्डा बाई 2. इफ P इज इवन सो द पॉइंट इज ब्राइट, एंड इफ P इज ऑड द पॉइंट इज डार्क. इतना समझा? अभी मैं आपको ये भी बता चुकी बेटा, अभी आपको जैसे एग्जाम्पल लेते हैं
पी आपको 13 आया. सो 13 लैम्डा बाय 2, तो आपको समझ गया ना 13 क्या है, ऑड नंबर तो वो डार्क होगा, समझा. अगर वही पॉइंट आपको मैंने बोल दिया 18, सो 18 इज इवन तो वो ब्राइट होगा. इतना क्लियर. आगे बढ़ते हैं बेटा. अब देखो ये ट्रायंगल ले लो, एक छोटा सा ट्रायंगल अपना. इस ट्रायंगल में अगर मैं साइन थीटा लिखती हूँ तो साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूस, तो वो हो गया डेल्टा एक्स बाय स्मॉल डी, जो मैंने यहां लिखा. अभी ये बड़ा वाला ट्रायंगल लो बेटा, ये वाला ट्रायंगल, ये पिंक व्हाइट ब्लू, पिंक व्हाइट ब्लू. इन दिस साइन थीटा इज ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, दैट इज एक्स बाय दिस, इसको ओ नाम दे देती हूँ ओपी. बट मैंने आपको क्या बोला बेटा, दिस कैपिटल डी इज वेरी लार्ज कंपेयर टू स्मॉल डी, तो मैं इस हाइपोटेनियस की जगह इसको ये ले रही हूँ एडजेसेंट साइन, कैपिटल डी ले लिया. या टैन थीटा ले लो, आपको पता है ना साइन, अगर थीटा बहुत छोटा है ये आपको डायग्राम में बड़ा दिख रहा है, बट दिस थीटा इज वेरी स्मॉल, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कंसिडर किया है. यहां मैंने साइन थीटा डेल्टा एक्स बाई डी लिखा और यहां मैंने साइन थीटा एक्स बाई कैपिटल डी लिखा. ये हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं लिखी बिकॉज इस हाइपोटेनियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कैपिटल डी. तो ये हो गया डेल्टा एक्स बाय स्मॉल डी इज एक्स बाय कैपिटल डी. डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस, स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन, एंड एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ब्राइट. अब यहां से अब साइन थीटा को लिखा डेल्टा एक्स बाय डी इज एक्स बाय डी इज थीटा, सिंस थीटा इज स्मॉल. अब उसके बाद क्या किया बेटा, ये स्मॉल डी को वो साइड ले गया तो मुझे डेल्टा एक्स का फॉर्मूला मिला एक्स स्मॉल डी बाय कैपिटल डी, या एक्स का फॉर्मूला मिला डेल्टा एक्स कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. अगर ये पॉइंट ब्राइट हुआ तो आपको पता है ना पाथ डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा एक्स विल बी एन लैम्डा, तो इसका फॉर्मूला हो गया एन लैम्डा डी बाय डी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोई भी ब्राइट पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे. जैसे फोर्थ ब्राइट की डिस्टेंस सेंटर से निकालनी है तो 4 लैम्डा डी बाय डी, थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस सेंटर से निकालनी है जो 3 लैम्डा डी बाय डी. क्लियर. अगर यही पॉइंट जो है ये डार्क पॉइंट होता तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता, एक्स डी. अभी डेल्टा एक्स की जगह बेटा ऑड मल्टीपल का फॉर्मूला आ जाएगा. डेल्टा एक्स क्या होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 होता है ना. फॉर डार्क सब पहले से रिलेटेड है, अगर पहला आपको समझ में आया तो ये भी समझेगा. थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो थोड़ा सा पहले ये समझो, उसके बाद वापस एक बार खुद आप लोग ट्राई करो. फिर भी नहीं समझ आया तो वीडियो को वापस एक बार देखिए ना, क्लियर हो जाएगा. अब डेल्टा एक्स बेटा डार्क है ना, तो डार्क के लिए डेल्टा एक्स का पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला क्या था तेरा, 2m माइनस 1 लैम्डा बाय 2. डिस्ट्रक्टिव में वही कंडीशन थी ना पाथ डिफरेंस की, वो लिख दी बेटा. तो ये मेरा पूरा ये वाला पूरा टर्म क्या है, डेल्टा x, और ये कैपिटल d बाय स्मॉल d एज इट इज लिख दिया. तो यहाँ पे डार्क का फॉर्मूला क्या मिला, 2m माइनस 1 लैम्डा कैपिटल d बाय 2d. ठीक है, जैसे फिफ्थ डार्क बोला तो 2 इंटू 5 10 माइनस 1 9 लैम्डा d बाय 2d. अगर हमको सेवेंथ डार्क बोला तो 2 इंटू 7 दैट इज 14 माइनस 1 दैट इज 13 लैम्डा डी बाय 2d. तो इस तरह से अगर ब्राइट और डार्क दिया तो अकॉर्डिंगली आप फॉर्मूला यूज करोगे. ठीक है, सेवेंथ ब्राइट सेवेंथ डार्क, फिफ्थ ब्राइट फिफ्थ डार्क, जो दिया उसके हिसाब से ब्राइट तो ये डार्क तो ये, ब्राइट तो ये डार्क तो ये, ब्राइट तो ये डार्क तो ये. इतना समझा. ओके, तो ये क्या है डिस्टेंस का फॉर्मूला फ्रॉम द सेंटर. अभी दूसरा सवाल पूछ सकते हैं बेटा, ये जो पॉइंट पी है इसने एंगल कितना बनाया, ये वाला एंगल, इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्टेंस. ठीक है, जैसे ये फिफ्थ ब्राइट है, इस फिफ्थ ब्राइट ने कितना एंगल बनाया वो निकालो, या ये फिफ्थ डार्क है तो फिफ्थ डार्क ने कितना एंगल बनाया वो निकालो. तो बेटा यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे तो थीटा को मैं ऐसा लिख सकती हूँ डेल्टा एक्स बाय स्मॉल डी. ठीक है ना, तो ये डेल्टा एक्स बाय स्मॉल डी, डेल्टा एक्स इज नथिंग बट एन लैम्डा बाय स्मॉल डी. या तो एक और चीज बताऊं, तो एक्स बाय डी है, ये जो भी एक्स का फॉर्मूला है इसको कैपिटल डी से डिवाइड कर देना, सिर्फ एन
एन लैम्बडा कैपिटल डी बाई डी है ना, तो डी से निकाल दो तो क्या बचा, एन लैम्बडा बाई डी। जो समझ में आता है उससे याद रख लो, एक ही चीज है बेटा। अभी यहाँ पे अगर डार्क के लिए बोला तो कैपिटल डी खाली जरा हट जाएगा। फॉर्मूला देख, एक्स बाई कैपिटल डी, तो ये एक्स है, इसको कैपिटल डी से डिवाइड करोगे तो थीटा आ जाएगा। मैंने सारी राम कहानी तो आपको ऊपर ही बता दी है, ये खाली अप्लाई कर रहे। आपको बोला फोर्थ डार्क का एंगल बताओ, एंगल, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। डिस्टेंस पूछा तो ये वाला लगाओगे। बस दोनों में फर्क क्या है बेटा, खाली कैपिटल डी से डिवाइड कर दे, ये आ जाएगा। जरा फोर्थ डार्क का फॉर्मूला डिस्टेंस के लिए, 2 × 4 − 1 लैम्बडा कैपिटल डी बाई 2d, और एंगल के लिए 2 × 4 − 1 लैम्बडा बाई 2d। बस कैपिटल डी से डिवाइड कर दिया। समझ में आया? देखो मैंने लिखा है थीटा इज एक्स बाई कैपिटल डी इज डेल्टा एक्स बाई डी। ये डायग्राम दिमाग में छपा लो तभी ये चैप्टर में ग्रिप आएगा। ये डायग्राम क्लियर होना चाहिए, हर एक चीज, एक्स क्या है, स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी क्या है, डेल्टा एक्स क्या है, ये चारों चीज अगर क्लियर है तो आपके चैप्टर हलवा है एकदम। इसलिए मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है, अच्छे से ड्रॉ करो, 4 बार ये डायग्राम ड्रॉ करो, अभी पॉज करके 4 बार डायग्राम ड्रॉ करो, ये पूरा समझो, इसके बाद ही आगे जाना। वीडियो पॉज करो, मुझे पता है मैं बोलती रहूंगी तुम लोग सुनोगे नहीं, लेकिन करना पड़ेगा, एग्जाम में चाहिए ना अच्छे मार्क्स, तो करो पॉज, ये 4 बार डायग्राम ड्रॉ करो और उसके बाद ये पूरा खुद लिखो, फिर दिमाग में सेट हुआ अब आगे जाना, वरना कंफ्यूजन रहेगा ही रहेगा। फिर बोलोगे मिस कंफ्यूजन तो गया नहीं, तो जो बोल रही हूँ वो करोगे तभी तो जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट इज फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ। फ्रिंज विड्थ एंड बैंड विड्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट या कॉन्जिक्यूटिव डार्क। जैसे समझो बेटा, यहाँ है मेरा फर्स्ट डार्क और यहाँ है सेकेंड डार्क, और इन दोनों के बीच में ब्राइट होगा ऑब्वियसली, तो ये दोनों के बीच है, दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क के बीच के डिस्टेंस को हम फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ बोलते हैं, या दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट के बीच के डिस्टेंस को भी हम फ्रिंज विड्थ या बैंड विड्थ बोलते हैं। और उसका फॉर्मूला कॉन्स्टेंट है, लैम्बडा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। किसी किसी बुक में आपको इसे बीटा से डिनोट किया जाएगा, कंफ्यूज मत होना, अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोट करते हैं, बाकी कुछ बड़ी बात नहीं है। सो व्हाट इज फ्रिंज विड्थ एंड बैंड विड्थ? इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट और टू कॉन्जिक्यूटिव डार्क, ठीक है। अगर आपको पूछा किसी भी पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालना, मतलब वो एक्स पूछ रहे हैं, ब्राइट पूछ रहे हैं कि डार्क, उसके हिसाब से फॉर्मूला लगाना। अगर आपको पूछ रहे हैं किसी भी पॉइंट का एंगल, तो पहले सबसे पहला क्वेश्चन डार्क है कि ब्राइट है, उसके बाद आप फॉर्मूला लगाना। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है ना? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको पूरा समझ में आया होगा। एक बार लिख लो उसके बाद ही आगे जाना। 4 बार डायग्राम ड्रॉ करना है और एक बार पूरा लिखना है अच्छे से। 4 बार लिख सकते हो तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो दिमाग में छप गया, कभी नहीं मिटेगा, ठीक है। चल ओके, आगे बढ़ते हुए अभी तक हमने देखा कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता क्या है। उसके बाद अगर हम आपको पूछे कि फिफ्थ ब्राइट की डिस्टेंस क्या है सेंटर से, तो आपको निकालना आता है। सेकेंड डार्क की डिस्टेंस क्या है सेंटर से, तो आपको निकालना आता है। आपको फ्रिंज विड्थ निकालने आती है, आपको एंगल निकालने आता है, थीटा, ये सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अभी हम कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहला केस ऐसा समझो बेटा कि ये हमारा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और ये उसकी स्क्रीन है। यहाँ हमको सेंट्रल ब्राइट मिलता है। अभी इस जगह पे सपोज, ठीक है, इस जगह पे अगर मैं रेड लाइट यूज करती हूँ तो उसका वेवलेंथ क्या होगा, लैम्बडा आर। तो उसकी वजह से यहाँ पे कुछ तो फॉर्म हो रहा है, लाइक दैट बी सपोज एन आर, मतलब एन आर ब्राइट पॉइंट यहाँ लैम्बडा आर मतलब रेड वेवलेंथ की वजह से बन रहा है। अभी अगर मैंने रेड की जगह लाइट को चेंज कर दिया, सपोज मैं येलो यूज कर रही हूँ या मैं ग्रीन यूज कर रही हूँ या मैं ब्लू यूज कर रही हूँ, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेवलेंथ को डिक्रीज कर रहे हैं। तो अभी इस जगह पे हमको कौन सा ब्राइट मिलेगा, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहले मैं रेड लाइट यूज कर रही थी तो उसका वेवलेंथ लैम्बडा आर हो रहा था बेटा, वहां पे मुझे nth ब्राइट पॉइंट मिल रहा था जिसको हमने एन आर नाम दिया। अभी अगर मैं वेवलेंथ चेंज कर दूं, लैम्बडा जी वेवलेंथ है मतलब लैम्बडा ऑफ ग्रीन लाइट, तो मुझे यहाँ पे कौन सा पॉइंट देखने मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ लिए जाते हैं।
तो याद रखेंगे इसके क्या रिलेशन यूज करेंगे, एन लैम्बडा इज अ कॉन्स्टेंट, मतलब पहले लाइट का वेवलेंथ और पहले लाइट का जो ब्राइट फ्रिंज होगा उनका जो मल्टीप्लीकेशन है दैट इज अ कॉन्स्टेंट, मतलब एन वन लैम्बडा वन इज इक्वल टू एन टू लैम्बडा टू, पहले वाले का वेवलेंथ, पहले वाले का नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज, दूसरे वाले का वेवलेंथ और दूसरे वाले का ब्राइट फ्रिंज, ये हमेशा कॉन्स्टेंट ही रहेगा. सो एन वन लैम्बडा वन इज एन टू लैम्बडा टू. काफी बार आपको ऐसा भी होगा इस केस में आपको तीन चीजें दी जाएंगी और एक चीजें नहीं होगी तो आप निकाल सकते हो. लेकिन अगर बोलोगे आपको सिर्फ दो वेवलेंथ ही दिए हैं, ना एन वन दिया है ना एन टू दिया है, उस केस में आप ये वाला मेथड लगा सकते हो. इसमें क्या करना है बस बेटा, एन इंटू लैम्बडा वन मतलब जिसका वेवलेंथ ज्यादा है उसके साथ मैंने एन नाम दे दिया, और जिसका वेवलेंथ थोड़ा सा कम है उसके साथ मैंने एन प्लस वन नाम दे दिया. मतलब अगर एक फिफ्थ है तो दूसरा सिक्स होगा, अगर एक सेवेंथ है तो दूसरा एट्थ होगा. ठीक है, मतलब प्लस वन करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो. तो अगर आपको तीन चीजें दी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको दो ही वेवलेंथ दिए हैं और आपको एक भी फ्रिंज का नंबर नहीं दिया तो आप उसको इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, एक को एन और एक को एन प्लस वन. जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका एन कम ले लेना, और जिसका वेवलेंथ कम उसका ज्यादा, मतलब एन प्लस वन. ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं ये सारी चीजें, सब स्पेशल केस हम डिस्कस कर रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट केस, इफ द होल YDSC इज टेकन इन अनदर मीडियम, मतलब इस YDSC को जिसको हम एयर में कर रहे हैं या वैक्यूम में कर रहे हैं, इसको हमें कोई दूसरे मीडियम में ले गए, हमने उसको पानी में डाल दिया, हमने उसको ऑयल में डाल दिया, या कोई भी दूसरे मीडियम में ले गए, तो क्या कुछ फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा बेटा. अगर आपको याद होगा हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है कि द वेवलेंथ इन अ डेंसर मीडियम इज इक्वल टू वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. या मैं सिंपल बोलू बेटा तो वेवलेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन इनवर्स है. तो अगर म्यू आपका बढ़ेगा तो आपका वेवलेंथ कम हो जाएगा. अगर आपका वेवलेंथ कम हो जाएगा, मोर ओवर इसमें बोलोगे ना ये जो फ्रिंज विड्थ होती है ना बेटा, बैंड विड्थ फ्रिंज, उसके बारे में पूछते हैं. तो आपको एक्स का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद है. मैं साहब हमको क्या समझते हैं, हमको सब याद है. वेरी गुड बेटा, दिस इज लैम्बडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. कैपिटल डी स्मॉल डी तो वैसे का वैसे है, हमने सिर्फ किसको चेंज किया, लैम्बडा को. तो एक्स और लैम्बडा का डायरेक्ट रिलेशन है, ये मैंने आपको बताया. ठीक है, तो वेवलेंथ इन अ मीडियम इज वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम. इससे आप ऐसा बोल सकते हो कि द न्यू फ्रिंज विड्थ इज इक्वल टू द फ्रिंज विड्थ इन एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. ये वेवलेंथ के टर्म्स मैंने आपको बताया जो आपको ऑलरेडी पता था. यहां से हमको ये नई चीज सीखने मिल रही है कि अगर हम किसी भी डेंसर मीडियम में जाएंगे तो क्या होने वाला है बेटा, तेरा फ्रिंज विड्थ कम हो जाएगा. या डेंसर से रेयरर में जाओ तो आपका फ्रिंज विड्थ बढ़ जाएगा. बिकॉज अगर अपन डेंसर मीडियम में जाते हैं तो वेवलेंथ कम हो जाएगा, और एक्स और लैम्बडा का डायरेक्ट रिलेशन है तो आपका एक्स भी कम हो जाएगा. इज दिस क्लियर? इसमें ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं बेटा, मीडियम का जाने दो, अगर अपन रेड लाइट की जगह अगर ब्लू लाइट यूज कर रहे हैं तो क्या फ्रिंज विड्थ में कुछ फर्क आएगा? बिल्कुल आएगा. आप रेड लाइट की जगह ब्लू लाइट यूज करोगे तो आपके वेवलेंथ कम हो जाएंगे. वेवलेंथ कम हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है हमारा जो फ्रिंज विड्थ है, जो बैंड विड्थ है, वो हमारा कम हो जाएगा. समझ में आ रहा है? वेरी गुड. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज शिफ्ट ऑफ फ्रिंज पैटर्न इन YDSC. ये क्या है बेटा, यहाँ पे एकदम नॉर्मल चीजें हो रही थी, ये S1, ये S2, ये हमारी स्क्रीन, ये हमारा सेंट्रल ब्रेक, सब एज इट इज था. अब हमने क्या किया, हमने कोई भी एक मटेरियल या ग्लास स्लैब ले लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जिस स्लैब की थिकनेस टी है, और हमने किसी भी एक रास्ते में या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ इसको रख दिया. बस यहाँ तो आपने ऊपर की तरफ रखा है, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है बेटा, आप नीचे की तरफ भी रख सकते हो, कुछ बाउंडेशंस नहीं है. लेकिन एक चीज याद रखना, अगर ऊपर के साइड रखोगे तो ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है ये एज इट इज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा. जैसे हो सकता है पहले आपका सेंट्रल ब्राइट यहाँ बन रहा था, अब आपका सेंट्रल ब्राइट यहाँ बन रहा है. मीन द कम्प्लीट पैटर्न एज इट इज, एज इट इज मतलब जैसे था वैसे ही एज इट इज ऊपर शिफ्ट होता है. बस फ्रिंज विड्थ में कुछ चेंज आता है? नहीं. क्या किसी ब्राइट और डार्क की डिस्टेंस में चेंज आता है?
सेंट्रल ब्राइट से नहीं, ना फ्रिंज विड्थ में चेंज आता है, ना ब्राइट की डिस्टेंस में चेंज आता है, ना डार्क की डिस्टेंस में चेंज आता है। तो क्या होता है, सिर्फ ये पैटर्न एज इट इज ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है। पहले अगर आपका पैटर्न यहां था तो अब ये सेंट्रल यहां आ गया। सो द फ्रिंज शिफ्ट फॉर्मूला इज एक्स बाई लैम्बडा म्यू माइनस वन इंटू टी। या तो x का फॉर्मूला आपको पता है, लैम्बडा डी बाई डी, सो दैट इज डी बाई डी म्यू माइनस वन इंटू टी। तो ये दो फ्रिंज शिफ्ट के फॉर्मूला है। ये करने से हुआ क्या, ये करने से पाथ डिफरेंस एड हो गया। सो द एडिशनल पाथ डिफरेंस इज म्यू माइनस वन इंटू टी, दिस इज द एडिशनल पाथ डिफरेंस। अभी और क्या होता है बेटा, यहाँ पे सपोज पहले सेंट्रल ब्राइट था, अब हमारा सेंट्रल ब्राइट यहाँ शिफ्ट हो गया। हो सकता है पहले यहाँ फिफ्थ ब्राइट रहा हो, सेकेंड ब्राइट रहा हो, थर्ड ब्राइट रहा हो। तो यहाँ पे पहले तो हमारे जब ये रखा नहीं था तब सेंट्रल ब्राइट यही था बेटा। अब मैंने इसको यहाँ पे रखने से हमारा सेंट्रल ब्राइट ऊपर शिफ्ट हो गया है, लेकिन इस जगह पहले क्या था, कुछ तो ब्राइट पॉइंट होगा, वो ब्राइट पॉइंट की आपको वैल्यू निकालने बोला है। तो उसका फॉर्मूला है, शिफ्ट इज इक्विवेलेंट टू एन फ्रिंजेस वेयर एन इज न्यू माइनस वन टी बाय लैम्डा। ओके, और उसके बाद शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रिंज। मतलब जैसे बेटा अगर आपका सेंट्रल ब्राइट कितने फ्रिंजेस ऊपर गया है, हो सकता है आपका सेंट्रल ब्राइट दो फ्रिंजेस ऊपर गया हो, तो जो फर्स्ट ब्राइट है वो भी दो फ्रिंजेस ऊपर जाएगा, जो सेकंड ब्राइट है वो भी दो फ्रिंजेस ऊपर जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एज इट इज ऊपर शिफ्ट होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ। ये लैम्बडा से इंडिपेंडेंट होता है, मतलब आप कोई भी लाइट यूज करेंगे शिफ्ट जो है वो उतना ही रहेगा। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, पहला फ्रिंज शिफ्ट, दूसरा एडिशनल पाथ डिफरेंस, उसके बाद कितने फ्रिंजेस ऊपर गया उसके लिए एन, और ये जो एन है फिफ्थ ब्राइट हो, सेकेंड ब्राइट हो, थर्ड ब्राइट हो, सब उतना ही फ्रिंजेस शिफ्ट ऊपर होंगे जितना सेंट्रल ब्राइट होगा। तो सेंट्रल ब्राइट अगर एन फ्रिंजेस ऊपर गया है तो ब्राइट पॉइंट भी उतने ही फ्रिंजेस ऊपर जाएंगे। एंड शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेवलेंथ, मतलब कोई भी लाइट आप यूज करो आपका जो शिफ्ट है वो उतना ही रहेगा। ठीक है, फ्रिंजशिफ्ट, ओके, चलिए कॉपी करिए। नेक्स्ट इज बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट। बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से पहले मैं कुछ छोटी सी थियोरी आपको बता देती हूँ बेटा। देयर इज अ कंडीशन फॉर प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमको एकदम प्रॉपर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे तो कुछ कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए, जिसमें पहली है कोहेरेंट। कोहेरेंट मतलब दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। ये अचीव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसके लिए हम एक सोर्स के दो सोर्स बनाते हैं। YDSC में भी आपने देखा होगा, हमने एक मेन सोर्स बनाया था, उसके आगे हमने कार्डबोर्ड बनाया, उस कार्डबोर्ड में हमने स्लिट्स क्रिएट किए थे जिससे उस एक सोर्स के दो सोर्स बनाए, ताकि ये जो दोनों सोर्सेस हो ये कोहेरेंट होने चाहिए ना। तो अगर हम एक के दो बनाते हैं तो कोहेरेंसी अचीव हो जाती है, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज, दे शुड बी मोनोक्रोमैटिक। मोनोक्रोमैटिक मीन्स दे शुड हैव सेम वेवलेंथ एंड सिंगल वेवलेंथ, यानी दोनों का जो वेवलेंथ होना चाहिए वो सेम होना चाहिए और सिंगल वेवलेंथ ही यूज करना चाहिए। मतलब पॉलीक्रोमैटिक लाइट मत यूज करो जिसमें बहुत सारी वेवलेंथ मिक्स है, आप ऐसी लाइट यूज करो जिसके पास सिर्फ सिंगल वेवलेंथ हो। उसके बाद कैपिटल डी शुड बी लार्ज। कैपिटल डी क्या होता है बेटा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्सेज एंड द स्क्रीन, सो दिस डिस्टेंस शुड बी लार्ज। एंड स्मॉल डी शुड बी स्मॉल, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज शुड बी स्मॉल। उसके बाद दे शुड ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, ऑब्वियसली बात है, और दोनों का पोलराइजेशन का स्टेट भी सेम होना चाहिए। ये कुछ कंडीशंस है, अगर ये सेटिस्फाई होंगी तो हमको इंटरफेरेंस पैटर्न एकदम क्लियर दिखाई देगी। और भी अगर इसमें ऐड करूं तो अगर दोनों का एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी अगर सेम है तो हमको और भी ज्यादा क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखती है। अब क्या हो रहा था, अब जैसे मैंने आपको पहले पूरा थोड़ा हिस्ट्री बताया था कि न्यूटन जैसा बोल रहे थे कि लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स
और हाइजेंस और मैक्सवेल बोल रहे थे कि लाइट ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, लेकिन लोग ऐसा नहीं मान रहे थे बिकॉज न्यूटन वो टाइप के बहुत ही मतलब माने हुए साइंटिस्ट थे. तो सब लोग बोलते कि नहीं, जो न्यूटन बोल रहा है वही सही है. तो हाइजेंस और मैक्सवेल के टाइम पे अगर वेव थियरी उनको प्रूफ करनी थी तो उनको वही सेम YDSE जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने प्रूफ किया था, मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न जो उन्होंने प्रूफ किया था, वो उनको कोई दूसरे मेथड से भी प्रूफ करके बताना था, तभी लोग मानेंगे कि नहीं भाई जो ये बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं. तो इसकी वजह से बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट किया गया. अब बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, यहाँ दो प्रिज्म होते हैं, इसके लिए इसका नाम है बाई प्रिज्म. ये ऊपर वाला आप देख रहे हो, ये वाला हिस्सा बेटा पहला प्रिज्म है और ये नीचे वाला दूसरा प्रिज्म है. ये जो एंगल होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग 1 डिग्री या 30 मिनट्स, 1 डिग्री या तो 30 मिनट्स, इतने छोटे एंगल है. मतलब आपको ये लगभग प्लेन ही दिखेगा, मतलब ग्लास स्लैब जैसा दिख जाएगा आपको, बट ये होता नहीं है, ये होता है प्रिज्म. अब क्या हुआ बेटा, यहाँ हमने एक ही सोर्स लगाई है, ये सोर्स से रेज इसके ऊपर फॉल हुए, आपको पता है रिफ्रैक्शन होगा. रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ भले लाइट एक ही जगह से आ रही है, देखो ऐसे गई, रिफ्रैक्ट हुई और यहाँ पे ये दोनों रेज इंटरफियर हुई या सुपर इम्पोज हुई और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दिया. तो हमारी आंख ने क्या किया, ये वाली रेज को बैक ट्रेस किया, तो ऐसे लग रहा था कि ये जो रेज है ये S1 से आ रही है और ये हमारी जो रेज है ये S2 से आ रही है, बट एक्चुअली में S1 S2 है क्या, नहीं, एक्चुअल में सिर्फ एक ही सोर्स है S, वो S रिफ्रैक्ट हुआ, सुपर इम्पोज हुआ और इंटरफेरेंस पैटर्न बने, लेकिन हमको ऐसे लगा कि ये लाइट दो सोर्सेस से आ रही है. तो हमने एक सोर्स के दो सोर्स बनाए विद द हेल्प ऑफ बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट. इससे पहले हम YDSE से जो चीज कर रहे थे वो वापस से प्रूव हो गया कि नहीं भाई ये लोग जो बोल रहे हैं कि लाइट का जो है वेव नेचर होता है ये सही है, और न्यूटन जो बोल रहे हैं पार्टिकल नेचर वो गलत है. समझ में आया? तो बाई प्रिज्म एक्सपेरिमेंट से बोलता ना थप्पा लग गया भाई कि नहीं ये लोग सही बोल रहे थे कि दिस इज अ वेव नेचर, लाइट के पास वेव नेचर है. ओके, अब सुनो बेटा, अभी हमको मिल गया, अभी x इज लैम्डा d बाय d, ठीक है. अभी आपको जरूरत थी लैम्डा निकालने की, तो लैम्डा का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x स्मॉल d बाय कैपिटल d. कैपिटल d आप मेजर कर सकते हो, बिल्कुल मेजर कर सकते हैं मिस. कैपिटल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्क्रीन, ये तो मेजरेबल है. कैपिटल x इज द डिस्टेंस बिटवीन टू ब्राइट फ्रिंजेस या टू डार्क फ्रिंजेस, यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न बनी है और ये डिस्टेंस भी आप माइक्रोमीटर की मदद से मेजर कर सकते हो. अब प्रॉब्लम था कि हम ये स्मॉल d की वैल्यू मेजर नहीं कर पा रहे थे. क्यों नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ये जो स्मॉल d है, स्मॉल d इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेस एंड यहाँ ये दोनों सोर्स वर्चुअल है, इमेजिनरी है, सच में नहीं है, तो ये दोनों सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस निकालना. अब ये तो एक्चुअल में सोर्सेस है नहीं कि हम गए भैया S1 S2 तेरी डिस्टेंस इतनी मेजर करके आ गए, बट ऐसा तो नहीं, ये दोनों तो इमेजिनरी सोर्स है, तो इमेजिनरी सोर्स के बीच का डिस्टेंस निकाले कैसे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं कॉन्जुगेट फोकाई मेथड. इस मेथड में क्या बोला जाता है, यहाँ बाइप्रिज्म है, मैंने ड्रॉ नहीं किया है, यहाँ हमने एक कॉन्वेक्स लेंस रखी है पहले L1 पोजिशन पे, such that the distance between the source, these are the sources and the lens is u, and the distance between the screen and the lens is v. ये आपको पता है ना, ये तो हमने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है बेटा, अभी तो इतना आता ही है मेरे बच्चों को, u है ये v है. तो यहाँ स्क्रीन पे हमको इमेज बनी, लेकिन इसमें इमेज मैग्निफाइड बनी बिकॉज हमने लेंस को यूज किया है, कॉन्वेक्स लेंस. आप सबको बहुत अच्छे से पता है कॉन्वेक्स लेंस मैग्निफाई भी कर सकती है और डिमिनिश्ड भी कर सकती है. तो यहाँ मेरी कॉन्वेक्स लेंस ने इसको मैग्निफाई कर दिया, मेरी कॉन्वेक्स लेंस ने इसकी इमेज मेरे को बढ़ा के दे दी एंड द साइज ऑफ द इमेज इज D1. ओके, मैं समझ में आ रहा है, अब आगे बताओ. अब बेटा ये वाला फॉर्मूला मेरे बच्चों को आता है, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट. तो साइज ऑफ इमेज कितनी है बच्चों, D1, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट D, डिस्टेंस ऑफ इमेज V, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट U, वही लिख दिया D1 बाई D इज V बाई U. ओके, उसके बाद क्या किया मिस, उसके बाद बेटा तेरी लेंस को शिफ्ट किया, लेंस को मैंने L2 पोजीशन पे रखा.
अब जो मेरा यू है वो मेरा वी बन गया और अब जो मेरा V है वो मेरा U बन गया। क्या बोलना चाहती हूँ मैं समझ नहीं आ रहा, सुन ले मेरी बात। बेटा सपोज ये डिस्टेंस पहले 5 था, ये डिस्टेंस 15 था, तो अब ये डिस्टेंस 15 हो गया और ये डिस्टेंस 5 हो गया, ऑटोमेटिक हो जाता है। ये कॉन्जुगेट फोकाई का मेथड ही वही है ना बेटा, यू आर वी आपके इंटरचेंज हो जाते हैं तो आपकी इमेज वही बन रही है, लेकिन पहले इमेज बड़ी बन रही थी अब इमेज छोटी बन रही है, बस। तब ये दोनों सोर्सेस वही है, लेंस को सिर्फ यहां रख दिया, यहाँ बेटा तेरा बायप्रिज्म है तो यहाँ हम लोग को डिमिनिश्ड इमेज मिली। वापस लगाओ, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज इज डी टू, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज डी, डिस्टेंस ऑफ इमेज इज यू एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज वी, वो लिख दिया। बेटा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे 1/2 तो हमको मिलेगा डी इज अंडर रूट डी वन डी टू। तो यहाँ पे इस तरह से हम d निकालते हैं। मीन्स ये d निकाल क्यों रहे थे, भूल गए बच्चों, हमको निकालना है लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, और वेवलेंथ ऑफ लाइट का फॉर्मूला x स्मॉल d बाय कैपिटल d, x और कैपिटल d पहले मिल गया था, स्मॉल d हमने इस मेथड से निकाला, तो आपको लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। मीन्स इतनी राम कहानी की जरूरत थी क्या? हाँ बेटा, काफी बार वो लोग सम्स में ना आपको डी वन दे देंगे, आपको वी दे देंगे, आपको यू दे देंगे, तो आपको D निकालना आना चाहिए। D निकालना तभी आएगा जब आपको ये फॉर्मूला आएगा, और ये फॉर्मूला थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए ना कि हो क्या रहा है, क्यों कर रहे हैं। इसके लिए मैंने यहाँ ये आपको एक्सप्लेन किया, जहां जरूरत होती है वहां मैं एक्सप्लेन करती हूँ, जहां जरूरत नहीं होती वहां मैं खाली फॉर्मूला लिख देती हूँ। तो यहाँ इसकी जरूरत थी कि सम में आ सकता है, इसलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। और ये उसकी कंडीशन कोहेरेंट क्या होता है लिख लेना, इट इज सेम फ्रीक्वेंसी एंड कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस। मोनोक्रोमैटिक का मतलब होता है सिंगल वेवलेंथ, एंड पॉलीक्रोमैटिक मतलब मल्टीपल वेवलेंथ, ठीक है। एक और चीज बेटा इसमें पूछी जा सकती है कि अगर सपोज हम क्या क्वेश्चन आता है, तो सपोज किसी भी एक को हमने बंद कर दिया तो क्या होगा, तो बेटा इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई नहीं देगी। मतलब वाईडीएससी की बात कर रही हूं, अगर वाईडीएससी में आपको इस तरह से होता है ना, वाईडीएससी सेटअप, ये अपना मेन सोर्स है, ये ऐसे दो स्लिट से आपने किसी भी एक को बंद कर दिया, तो क्या इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देगी? नहीं, इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं दिखेगी, नॉर्मल इल्यूमिनेशन होगा, मतलब नॉर्मल लाइट आपको पूरे में इवेंचुअली स्प्रेडेड दिखाई देगी। उसके बाद ऐसा सवाल पूछते हैं, मिस अगर हम लोग व्हाइट लाइट यूज करें तो क्या होगा? बेटा व्हाइट लाइट यूज करोगे तो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग बनेगा। मतलब कैसा बनेगा? बेसिकली सेंटर में पूरा व्हाइट ही व्हाइट होगा, उसका रीजन अभी फिलहाल जाने दो। सिर्फ अगर आप व्हाइट लाइट यूज करोगे तो आपको व्हाइट लाइट दिखेगा, और उसके बाद आपको उसके आजू बाजू में कलर फ्रिंजेस दिखाई देंगी। अगर आप नॉर्मल मोनोक्रोमैटिक लाइट की जगह पॉलीक्रोमैटिक लाइट यूज करते हो, जैसे व्हाइट लाइट, उसमें सारे कलर्स मिक्स है, तो आपको स्क्रीन पे कैसा दिखाई देगा? आपको सेंटर में पूरा सा व्हाइट का गोला दिखाई देगा, और उसके बाद कलर फ्रिंजेस आपको आजू बाजू दिखाई देंगे, ठीक है। ओके, तो ये दो क्वेश्चन भी पूछे जा सकते थे जो मैंने आपको बता दिया। अगर बाद में अगर मेरे दिमाग में आते जाएगा तो आगे मैं आगे आपको और भी बताती जाऊंगी, तब तक आप ये कॉपी करें। आगे बात करते हैं बेटा, नेक्स्ट इज फ्रिंज विजिबिलिटी। ये भी एज इट इज क्वेश्चन पूछा जाता है। फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होता है कि जो इंटरफेरेंस पैटर्न हमको दिखाई दे रही है उसकी क्लैरिटी कैसी है, वो कैसे विजिबल होगा, मतलब हमको एकदम क्लियर दिखाई देगा नहीं देगा, क्या होगा, वो किस पे डिपेंड करता है। तो उसका जो फॉर्मूला है बेटा, दैट इज उसको हम वी से डिनोट कर रहे हैं, दिस इज आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम, या तो फिर आप लिख सकते हो टू रूट आई वन रूट आई टू अपॉन आई वन प्लस आई टू। अगर आपका जो मिनिमम पॉइंट्स है अगर वो जीरो, मतलब उनकी कुछ इंटेंसिटी है ही नहीं, तो आपकी फ्रिंज विजिबिलिटी मैक्सिमम होगी। इफ द डार्क पॉइंट्स आर कंप्लीटली डार्क देन द फ्रिंज विजिबिलिटी विल बी मैक्सिमम। लेकिन अगर डार्क पॉइंट और ब्राइट पॉइंट दोनों की इंटेंसिटी सेम हुई तो फ्रिंज विजिबिलिटी जीरो होगी, मतलब आपको दिखाई ही नहीं देंगी, मतलब आपको फ्रिंजेस दिखाई नहीं देंगी। नेक्स्ट इज इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। हालांकि आपको ऐसे क्वेश्चंस आने का चांसेस कम है, लेकिन वी डोंट वांट टू टेक एनी चांस, ठीक है। अब क्या होता है, यूजुअली आप लोगों ने देखा होगा बारिश के टाइम पे ऐसे पानी जमा हो जाता है, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल ऐसे गिर जाता है, तो आपको 7 कलर्स ऐसे दिखाई देते हैं, वो इंटरफेरेंस की वजह से होता है। तो जहां भी ऑयल स्पिल होगा वाटर सरफेस पे,
तो आप देखेंगे वहां पे 7 कलर्स आपको दिखाई देते हैं। ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसकी वजह से होगा, इज दिस ड्यू टू इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ऐसे ऑप्शंस देते हैं। तो याद रखेंगे ऑयल स्पिल जो होता है उसके जो 7 कलर्स है दैट इज ड्यू टू इंटरफेरेंस, ठीक है। अब उसी में हम क्या देख रहे हैं, ये वही हमारी थिन फिल्म है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और जिसकी थिकनेस टी है। तो ये ऐसे लाइट आई, ये रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्रैक्ट हुई और ये वापस फिर यहां से यहां रिफ्रैक्ट हुई। तो इस तरह से यहाँ पे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ये अगर रिफ्लेक्टेड लाइट इंटरफेयर हो गई, मतलब सुपर इम्पोज हो गई, तो इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है, और अगर रिफ्रैक्टेड लाइट सुपर इम्पोज हो गई तो भी आपको इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई देता है। अगर रिफ्लेक्टेड रेस सुपर इम्पोज हुई तो भी दिखेगा और रिफ्रैक्टेड रेस सुपर इम्पोज हुई तो भी दिखेगा। तो उसकी खाली कंडीशंस आपको याद रखनी है। रिफ्लेक्टेड लाइट में याद रखना बेटा, तेरी कंडीशन रिवर्स्ड हो जाती है। जो कंस्ट्रक्टिव की इंटरफेरेंस थी अब वो डिस्ट्रक्टिव की बन गई और जो डिस्ट्रक्टिव की थी अब वो कंस्ट्रक्टिव की बन गई। मीन्स ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज देयर इज अ फेज चेंज फ्रॉम डेंसर मीडियम। यहाँ पे लाइट गई और जब वापस आई तो वो एक डेंसर मीडियम से हिट करके आ रही है। तो डेंसर मीडियम से हिट करके आई है, इसकी वजह से वहां पे पाए का फेज डिफरेंस आ गया जिसकी वजह से हमारी कंडीशन रिवर्स हो गई। तो खाली मैं रिक्वेस्ट करूंगी फॉर्मूला याद करेंगे, डेरिवेशन में जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 म्यू टी कॉस आर इज 2n-1 लैम्डा बाई 2। ये देखो ये डिस्ट्रक्टिव की आपकी कंडीशन है। अगर ये नॉर्मल इंसिडेंस है, मतलब सीधा रे ऐसे जा रही है, तो आपका आई भी जीरो होगा, आर भी जीरो होगा। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 म्यू टी इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। अब हम डिस्ट्रक्टिव की बात करेंगे। डिस्ट्रक्टिव के केस में ये तो एज इट इज रहेगा बेटा, ठीक है। ये तो तेरा पाथ डिफरेंस है, अपन ऐसे ही बोलते ना, पाथ डिफरेंस। अब इससे पहले अपन बोलते थे इफ द पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 वो कंस्ट्रक्टिव होता था, इफ इट इज ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 वो डिस्ट्रक्टिव होता है। लेकिन यहाँ उल्टा है, ये हमारा पाथ डिफरेंस है एंड दिस इज द कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव, बट यहाँ वो कंस्ट्रक्टिव की बन गई है। सो इफ द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 दिस विल बी कंस्ट्रक्टिव, एंड इफ द पाथ डिफरेंस इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 देन दिस विल बी डिस्ट्रक्टिव। और r अगर जीरो होगा तो cos जीरो बेटा 1 हो जाता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 म्यू टी इज 2n लैम्डा बाई 2। अभी हम रिफ्रैक्टेड रेस की बात करेंगे, मतलब अगर रिफ्रैक्टेड रेस सुपर इम्पोज हो रहे हैं तो क्या होगा। कंस्ट्रक्टिव के केस में पाथ डिफरेंस जो नॉर्मल कंडीशन है वही यहां रहेगा, दैट इज इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ तो वो ब्राइट होगा, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 हुआ तो वो डार्क होगा। एंड अगर नॉर्मल इंसिडेंस ऐसा वर्ड यूज किया, या तो r इज जीरो सो 2 म्यू टी इज n लैम्डा एंड या 2 म्यू टी इज 2n-1 लैम्डा बाई 2। यहाँ एक और वर्ड यूज करते हैं, नॉर्मल इंसिडेंस। तो ऐसा भी आपको अगर यूज किया जाएगा, r इज जीरो या नॉर्मल इंसिडेंस दोनों एक ही चीज है, ठीक है। ये थोड़ी सी स्पेशल केसेस हैं, याद रह जाएंगे तो बहुत ही अच्छा है, वरना हमारे 4 मार्क्स यू एग्जाम में चले जाएंगे, ठीक है। चलिए पूरा कॉपी करिए, ओके आगे बढ़ते हैं। अभी हम करने जा रहे हैं डाइफ्रैक्शन। हम इंटरफेरेंस की काफी सारी बातें कर चुके हैं, डाइफ्रैक्शन बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, समझ में नहीं आता। जितनी चीजें मैं आपको बोलूं अभी आपको उतना ही याद रखना है, उससे ज्यादा आप दिमाग मत चलाना, ना कुछ ज्यादा सोचने की कोशिश करना, जितना मैं बता रही हूं उतना कर लेना। डाइफ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द edges of an obstacle or slit and spreading in the geometrical shadow region। कुछ समझ नहीं आया, सुन बेटा मेरी बात। अभी सपोज ये आपका स्लिट है, यहां से रेडिएशन आ रहे हैं, तो हमको पता है, यानी यहां पे अपन ने सपोज सोर्स रखा, तो हमको पता है कि ये रेडिएशन जो है, ये जो लाइट है, ये इतने रीजन में गिरने वाली है और यहां हमको डार्क दिखाई देगा। लेकिन अगर इसी स्लिट को हम बहुत ज्यादा छोटा कर दें तो हम क्या देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ऑब्वियस सी बात है कि जो इल्यूमिनेटेड रीजन है वो भी छोटा हो जाना चाहिए, बल्कि ऐसा नहीं होता। व्हाट हैपेंस हियर, द लाइट बेंड इन द शैडो रीजन एंड स्प्रेड लाइक दिस। सो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट नियर द ऑब्स्टैकल
or slit and spreading in the geometrical shadow region is called as diffraction. Diffraction दो टाइप के होते हैं, एक होता है Fraunhofer diffraction और एक होता है Fresnel's diffraction. Fraunhofer diffraction पहले अपन देख लेते हैं भी क्या है. अब ये हमारा कहीं पे लाइट का सोर्स होगा जहां से लाइट आ रही है. इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन में डिफरेंस समझना. इंटरफेरेंस में दो सोर्सेस होते थे, यहाँ लाइट का एक ही सोर्स है और यहाँ पे जो स्लिट विड्थ है उसको अपन ए से डिनोट कर रहे हैं. वहां अपन स्मॉल डी से किसको डिनोट करते थे बेटा, दो दो छोटे छोटे सोर्सेस होते थे उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल डी बोलते थे. यहाँ एक ही सोर्स है और उसकी जो थिकनेस है उसकी जो विड्थ है उसको मैं स्मॉल ए से डिनोट कर रही हूँ. यहाँ आप चाहो तो स्मॉल डी भी बोल सकते हो, एक ही चीज है ए और डी, चलेगा डी बोल दो चलेगा. ये मेरी स्क्रीन है, इस स्क्रीन की सोर्स से डिस्टेंस वही कैपिटल डी हम ले रहे हैं. सो व्हाट इज दिस, ये डाइफ्रैक्शन करा रहा है, ये रिस्पॉन्सिबल है डाइफ्रैक्शन. यहाँ कहीं सोर्स होगा, जिस सोर्स से रेडिएशन निकल रहा है ये डाइफ्रैक्शन स्लिट है और ये हमारी स्क्रीन है. तो फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन क्या होता है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट एंड द स्लिट एंड द स्क्रीन इज वेरी लार्ज. अगर सोर्स और स्लिट के बीच का डिस्टेंस और स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा तो अपन इसको क्या बोलेंगे, दिस इज फ्राउनहोफर डाइफ्रैक्शन. यहाँ जो वेव फ्रंट होते हैं वो प्लेन वेव फ्रंट होते हैं. लिख लेना फ्राउनहोफर में, जो बोल रही हूँ ध्यान से सुनो. फ्राउनहोफर में क्या होता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट एंड द स्लिट एंड द स्क्रीन इज वेरी लार्ज. यहाँ पे हम प्लेन वेव फ्रंट यूज, यहाँ पे बेसिकली यूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आते हैं. बिकॉज आपको पता है अगर ये सोर्स बहुत दूर है तो यहाँ से जो वेव फ्रंट बन जाएंगे वो प्लेन बन जाएंगे और इस केस में अपन कॉन्वेक्स लेंस यूज करके डाइफ्रैक्शन पैटर्न देखते हैं. अगर यही डिस्टेंस छोटा है, मीन्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड द स्लिट एंड द स्क्रीन इज स्मॉल, तब अपन इसको फ्रेसनल्स डाइफ्रैक्शन बोलेंगे और यहाँ पे आपको स्पेरिकल वेव फ्रंट या तो फिर प्लेन वेव फ्रंट देखने मिलेंगे. इतना क्लियर. फ्राउनहोफर में डिस्टेंस ज्यादा होती है और हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं और यहाँ प्लेन वेव फ्रंट बनती है. ठीक है, दूसरा फ्रेसनल्स डाइफ्रैक्शन में डिस्टेंस कम होती है और यहाँ पे आप कॉन्वेक्स लेंस यूज करने की जरूरत नहीं है और यहाँ पे आप स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट देखेंगे. ठीक है, अभी बात करते हैं. यहाँ पे आपको बिल्कुल ऐसे पैटर्न दिखाई देगी, पैटर्न यहाँ भी इंटरफेरेंस की तरह पैटर्न बनती है बट थोड़ी सी अलग होती है. अलग क्या होता है बेटा सुनना, मैं यहां बता दू, देखो यहां बता दू, यहाँ पे इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन का डिफरेंस ध्यान से सुनना. यहाँ सेंट्रल ब्राइट अपन को वही मिलती है जहां वहां मिलती है. उसके बाद वहां सबसे पहले आपको क्या मिलता है, फर्स्ट डार्क फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड डार्क सेकेंड ब्राइट, थर्ड डार्क थर्ड ब्राइट. यहाँ भी वही होगा लेकिन वहां पे आपको फर्स्ट डार्क लैम्डा बाय 2 पे मिलता था, यहाँ लैम्डा बाय 2 पे आपको डार्क नहीं मिलता. तो मिस डार्क कहाँ मिलता है बेटा, यहाँ फर्स्ट डार्क आपको लैम्डा पे मिलता है. मिस वहां तो लैम्डा पे हमको फर्स्ट ब्राइट मिलता था, यही तो उल्टा है बेटा. यहाँ आपको लैम्डा पे फर्स्ट डार्क मिलता है, फर्स्ट ब्राइट आपको 3 लैम्डा बाय 2 पे मिलता है. उसके बाद सेकंड डार्क आपको 2 लैम्डा पे मिलता है. मिस बट क्या बोलना चाहते हो, कंडीशन रिवर्स हो गई, सही पकड़े हैं. यहां हमारी कंडीशन रिवर्स हो गई, जो वहां ब्राइट की कंडीशन थी यहां वो मेरे बच्चों डार्क की बन गई, वहां जो डार्क की कंडीशन थी यहां वो ब्राइट की बन गई. खाली फर्क क्या है, यहां लैम्डा बाय 2 की कोई कंडीशन नहीं है. लैम्डा बाय 2 पे ना आप ब्राइट बोलोगे ना आप डार्क बोलोगे, इसका एक हल्का सा डिफरेंस है जो भी मैं आपको बता दूंगी. ठीक है, अब सुनना बेटा, यहाँ कहीं पे भी कोई पॉइंट है पी, ये ब्राइट भी हो सकता है डार्क भी हो सकता है, इसकी सेंटर से डिस्टेंस एक्स है, यहाँ ये एंगल थीटा फॉर्म कर रहा है सेंटर पे. उसके बाद ये अपना वही स्मॉल ए या डी बोल दो और ये वाला थीटा और ये वाला थीटा सेम है. दिस इज व्हाट, दिस इज डेल्टा एक्स, दिस इज द पाथ डिफरेंस. यानी बेसिकली यहां से भी रे जा रही है, यहां से भी रे जा रही है. अगर ये पाथ डिफरेंस इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाय 2 हुआ तो ये पॉइंट डार्क होगा. मैं सामने गलत बोल दिया ना बेटा, कंडीशन रिवर्स हो गई है ना,
तो मैं सही बोल रही हूँ, ध्यान से सुनना। और अगर ये जो पाथ डिफरेंस है ये ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू हुआ तो ये ब्राइट पॉइंट है, समझा? देखते हैं। तो बेटा पहले मैंने साइन थीटा का जनरल फॉर्मूला लिख दिया, अच्छे से समझो, कुछ टफ नहीं है, तुम लोग को सब कुछ आएगा। अपने मन में जो डर होता है, मुझे तो डायफ्रैक्शन आता ही नहीं, मुझे कुछ समझ में आता नहीं, तो कुछ भी कर लो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले वो फियर निकालो, जब पढ़ने बैठो जोश के साथ पढ़ने बैठो, ये कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ने बैठो कि मुझे सब समझ में आएगा, और फिर देखो कैसे समझ में नहीं आता। ठीक है, सुनो, थीटा साइन थीटा इज व्हाट, इट इज ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ये तेरा 90 डिग्री है, सो दैट इज डेल्टा एक्स बाय ए, तो वही मैंने लिखा। अगर इस ट्राइंगल में से साइन थीटा लिखोगे तो ऑपोजिट बाय हाइपोटेनियस, एंड हाइपोटेनियस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू कैपिटल डी, तो मैंने लिखा एक्स बाय कैपिटल डी। तो डेल्टा एक्स और एक्स क्या है मतलब समझ लेना, डेल्टा एक्स इज द पाथ डिफरेंस एंड एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ द गिवन पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। ओके, अब अगर थीटा स्मॉल होगा तो आप बिल्कुल लिख सकते हो साइन थीटा की जगह खाली थीटा, तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय ए या तो फिर एक्स बाय कैपिटल डी। बस पूरी तरह से समझ में आ रहा है, क्या बात है, वेरी गुड। अब देखते हैं मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ब्राइट पॉइंट और मिनिमा मतलब डार्क पॉइंट। तो अगर साइन थीटा इज डेल्टा एक्स तरह पाथ डिफरेंस है, तो अगर ये पाथ डिफरेंस 2n+1 लैम्डा बाय 2 हुआ तो ये ब्राइट पॉइंट होगा, वही कंडीशन है ना, उल्टा बोल दिया। मिस वहां तो आप माइनस लिख रहे थे, यहां आप प्लस क्यों लिख रहे हो, यही फर्क है। वहां लैम्डा बाय 2 होता था ना, यहां लैम्डा बाय 2 है नहीं, तो कैसे माइनस डाल दोगे? अगर माइनस डालोगे तो क्या लफड़ा हो जाएगा देखना बेटा, n की जगह 1 डाल दो, n स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो ये हो जाएगा। अगर माइनस होता तो बोल रही हूँ, 2 × 1 − 1 दैट इज 2 − 1 = 1 लैम्डा बाई 2 आ गया, लैम्डा बाई 2 आ गया, बट लैम्डा बाई 2 तो यहाँ होता ही नहीं है, लैम्डा बाई 2 पे ना ब्राइट है ना डार्क है, तेरा पहला ब्राइट ही 3 लैम्डा बाई 2 पे है, इसके लिए मैंने 1 डाला। अब 2 × 1 = 2 + 1 दैट इज 3, 3 लैम्डा बाई 2 वाली कंडीशन होती है, तो इसलिए यहाँ प्लस है, इतना फर्क याद रहेगा, है ना। ओके, उसके बाद अगर डिस्टेंस निकाल लिए, वहां पे हम लोग जैसे एक्स डी एक्स बी लिखते थे, यहाँ ब्राइट बोल दे डार्क या मैक्सिमा बोल दे एक ही है, तो एक्स बी दैट इज ब्राइट इज एक्स मैक्स दैट इज 2n + 1 लामड़ा डी बाई 2a। सेम डार्क की कंडीशन है लेकिन खाली प्लस की जगह माइनस है, वहां डार्क के लिए होता था 2n − 1 लामड़ा डी बाई 2d, यहाँ डी लिख दे तो भी चलेगा और खाली माइनस की जगह प्लस। बस ये तो मैक्सिमा की बात हो गई, मिनिमा है ना बेटा गिरा। साइन थीटा, ये जैसे साइन थीटा इस डेल्टा एक्स बाय ए है ना, तो इसे डेल्टा एक्स की जगह मैंने पाथ डिफरेंस डाला, तो अगर डार्क पॉइंट है तो पाथ डिफरेंस हमारा एन लैम्डा है, या तो 2n λ/2 लिख दो, एक ही बात है, तो ये आ गया, या तो वहां जो मैक्सिमा की कंडीशन थी यहाँ मिनिमा की बन गई, दैट इज n λ/d/a या d बोल दो। उसके बाद मिस यहाँ सेंट्रल विथ सेंट्रल मैक्सिमा ये वर्ड हम यूज करते हैं, ये क्या होता है ध्यान से सुनना बेटा, बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पक्सी गई है, चल यहाँ ही ले लेती हूँ। ये तेरा सेंट्रल ब्राइट है, यहाँ तेरा फर्स्ट डार्क बन रहा है और यहाँ तेरा फर्स्ट डार्क बन रहा है, तो ये जो फर्स्ट डार्क की थिकनेस है, ये जो फर्स्ट डार्क की थिकनेस है इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। इसमें फ्रिंज विड्थ ऐसा नहीं होता, इसमें सेंट्रल मैक्सिमा या सेंट्रल विड्थ ऐसा ही पूछा जाता है। तो सेंट्रल का फर्स्ट डार्क से डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये लगा दे बेटा, तो लैम्डा डी बाय ए हो जाएगा, फिर सेंट्रल से फर्स्ट डार्क का डिस्टेंस भी लैम्डा डी बाय ए, तो फर्स्ट डार्क टू फर्स्ट डार्क डिस्टेंस हो गया 2 λ/d/a। बस एंगल निकाल लेंगे कैसे, अगर पूछा कि सेंटर पे कितना एंगल बना लिया, कुछ नहीं बेटा कैपिटल डी से डिवाइड कर दे। इंटरफेरेंस में भी मैंने आपको ये चीज बोली थी, अगर कभी भी वो लोग ऐसा पूछे कि सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है एंगल के टर्म्स में, तो कुछ सोचो मत, सिर्फ कैपिटल डी से डिवाइड कर दो, तो फॉर्मूला बन गया 2 λ/a। मीन्स यहाँ भी अगर ऐसा पूछेंगे तो वैसा ही करना है क्या? हाँ बिल्कुल आप कर सकते हो, या तो फिर यहाँ तो आपके पास देख बेटा ये दोनों फॉर्मूला को कंपेयर करो, ये तेरा थीटा अगर छोटा है तो ये तो तेरा थीटा बन गया, तो वही आया ना थीटा लैम्डा बाय डी से डिवाइड किया तो वही आ गया। देखना यहाँ पे साइन थीटा इज एक्स बाय डी लिखा तो है बेटा, तो जो भी तेरा एक्स का फॉर्मूला उसको कैपिटल डी से डिवाइड कर दे तो तेरा एंगल आ जाएगा,
और यहाँ पे अगर थीटा छोटा है तो साइन थीटा की जगह थीटा ही रह जाएगा। यही मैंने तुमको इंटरफेरेंस में बताया था, कंफ्यूज मत हो, उल्टा इजी है ये, ताकि दोनों के साथ हम कंपेयर कर पा रहे हैं। ओके, उसके बाद इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन में एक डिफरेंस, दो डिफरेंस समझ गए। पहला डिफरेंस, इंटरफेरेंस में दो स्लिट्स होते हैं, यहां एक ही स्लिट होता है। दूसरा, इंटरफेरेंस की कंडीशन और इसकी कंडीशन बिल्कुल उल्टी है। यहाँ पे सेंट्रल विड्थ आपका सबसे मोटा होता है और बाकी सबकी थिकनेस सेम होती है। वहां ऐसा नहीं है, वहां जितने भी पॉइंट्स, वहां कोई भेदभाव नहीं है, सबकी विड्थ सेम है। यहाँ पे सेंट्रल वाले को भाई बहुत इंपॉर्टेंस दिया, उसकी विड्थ देखो और बाकी सबकी विड्थ अलग अलग है। यहाँ सेंट्रल ब्राइट की जो ब्राइटनेस है वो भी सबसे ज्यादा होगी। ये इंटेंसिटी का ग्राफ है, तो इसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, और उसके बाद आप देख सकते हो इंटेंसिटी कम होते जा रही है। लेकिन इंटरफेरेंस किसी का भी भेदभाव नहीं करता, डायफ्रैक्शन भेदभाव ही है कि सबसे सेंट्रल को सबसे ज्यादा इंटेंसिटी एंड देन कम एंड देन कम एंड देन कम। इंटरफेरेंस में ऐसा नहीं होता, इंटरफेरेंस में कोई भी ब्राइट पॉइंट हो सबकी ब्राइटनेस सेम होती है। बस आप कितना कुछ बोल गए, आई नो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं, बट ये सारी चीजें इम्पॉर्टेंट है। हालांकि मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकती हूँ, बिकॉज हम रिवीजन कर रहे हैं, हम जितना जरूरत है एग्जाम के उतना ही कराती हूँ, तो इतना मैंने आपको समझा दिया है। इसको रुकना, पॉज करना, लिखना, रिकॉल करना, रिकॉल करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और फिर आगे बढ़ना, ठीक है। चलिए पूरा कॉपी करिए अच्छे से। नेक्स्ट इज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन एकदम सिंपल वर्ड्स में बोले बेटा, तो ये नॉर्मल फिल्ट्रेशन है, मतलब जो उसके जैसा होता है उसको तो पूरी तरह से जाने देता है, जो उसके जैसा नहीं होता उसको बिल्कुल भी जाने नहीं देता। एज सिंपल एज दैट। जैसे अभी पहले तो अपन देखते हैं अनपोलराइज लाइट क्या होती है, पोलराइज लाइट क्या होती है। अनपोलराइज लाइट वो होती है बेटा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शन। मतलब जैसे आप सबको पता है कि लाइट जो है इस डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, ट्रांसवर्स वेव, तो उसमें वाइब्रेशंस ऐसे भी हो सकते हैं, उसमें वाइब्रेशंस ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं। जैसे देखो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये वाइब्रेशंस भी परपेंडिकुलर है, ये सारे वाइब्रेशंस, मतलब जो इस प्लेन में जितने भी वाइब्रेशंस है अगर सब डायरेक्शन में स्प्रेडेड है तो अपन उसको बोलेंगे अनपोलराइज लाइट। अनपोलराइज लाइट का मतलब किटाई जो वाइब्रेशन है वो पूरे प्लेन में सब जगह है, एंड दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो उसको दो तरह से अपन डिनोट करते हैं, ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। मिस पोलराइज लाइट क्या होता है बेटा, पोलराइज लाइट वो होता है जिसके वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में हो। अगर सारे वाइब्रेशन इस डायरेक्शन में है तो सब इसी में होने चाहिए, सब अगर ऐसे है यानी ये ऐसे है, सब वाइब्रेशन ऐसे होंगे, या सब वाइब्रेशन ऐसे, सब वाइब्रेशन ऐसे, सब वाइब्रेशन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशंस अलाइंड है तो उनको हम पोलराइज लाइट बोलेंगे। अगर जो हमारे वाइब्रेशंस है वो सब डायरेक्शन में है बट यस दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, वो तो बाय डिफॉल्ट केस है, तो अपन उसको अनपोलराइज लाइट बोलेंगे। और पोलराइज लाइट के नॉर्मल आप ऐसे, यानी ये अगर सब सारे वाइब्रेशन ऐसे है तो आप ऐसे डिनोट कर दो, अगर सारे वाइब्रेशन ऐसे है तो ऐसे, यानी जिस डायरेक्शन में वाइब्रेशन है। यूजुअली ऐसे तो होंगे नहीं, अगर आप लाइट अपनी ऐसे प्रपोगेट करिए तो ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं। तो यहां मैंने बताया है ऐसे ऐसे, मतलब आप समझ पा रहे हैं ये लाइट का प्रोपोगेशन ऐसे, तो ये ऐसे वाइब्रेशंस, ये ऐसे ऐसे अंदर बाहर ये भी हो सकते हैं, इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। तो बेटा ये है अपनी अनपोलराइज लाइट, ये है पोलराइजर, और इसमें पोलराइजेशन में सपोज ये ऐसे लगे ऐसे, यानी जो उसके जैसे है, मतलब ये वाले वाइब्रेशन को वो पूरी तरह से जाने देगा। मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ बेटा, सपोज इसकी इंटेंसिटी 10 है, इसकी भी 10, इसकी भी 10, और ये जो ऐसे अंदर 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 बाहर जा रहा है इसकी भी इंटेंसिटी 10 है। तो इसने इसको देखा कि भाई तू तो बिल्कुल मेरे जैसा है, चल मैंने तेरे को जाने दिया, तो ये पूरी तरह से चला गया, इसके थ्रू पास हो गया। ये वाले वाइब्रेशंस ये ऐसे है और ये ऐसे है इस तरह से, तो इसको बिल्कुल भी जाने नहीं दिया, इसको बोला मैं तेरे को जाने दूंगा ही नहीं बिकॉज तू मेरे परपेंडिकुलर है। अब ये वाला जो कॉम्पोनेंट है, ये वाला जो मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, इसके आप दो कॉम्पोनेंट ले सकते हो, रिजोल्व कर सकते हो। कैसे रिजोल्व कर सकते हो, एक ऐसे रिजोल्यूशन आ जाएगा, इसका कॉम्पोनेंट एक ऐसे आएगा और एक ऐसे आएगा, राइट। इस चीज का कॉम्पोनेंट एक ऐसे आ रही है, ऐसे दिख रहा है ना, लाइट आपकी ऐसे जा रही है, ये वाला है, ये ऐसे वाइब्रेट हो रहा है,
तो इसके दो कॉम्पोनेंट हो गए, एक वर्टिकल और एक ऐसे इनटू द बोर्ड। तो जो इनटू द बोर्ड है उसको ये जाने नहीं देगा, और ये जो वर्टिकल वाला था उसको जाने देगा। जिसको मेरा भाई, मैं तेरे पांच को जाने दे रहा हूँ, खुश हो जा, चल देखो पूरा तो जाने नहीं दूंगा, लेकिन तेरे जो वाइब्रेशन मेरे जैसे है, मतलब जो वर्टिकल है उसको मैं जाने दे रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाले 10, अभी ऐसे वाले 10 होंगे तो ऐसे वाले 10 है, तो इसके बीच में 5 को जाने दिया। तो एग्जांपल ले रही हूँ सिर्फ, तो यहाँ इंटेंसिटी सबकी मिला के सपोज 40 है, तो यहाँ इंटेंसिटी हमारी आधी हो गई। ये एग्जांपल से मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, कभी भी लिख लेना अनपोलराइज लाइट है और उसको हम फर्स्ट पोलराइजर से पास कर रहे हैं, तो हमेशा आपकी इंटेंसिटी हाफ हो जाएगी। फिर आप भले ऐसे रखो, आप उसको ऐसे रखो, आप उसको ऐसे रखो, आप उसको ऐसे रखो, कोई भी एंगल पे रखो, कोई भी एंगल पे, तो आपको इंटेंसिटी हमेशा हाफ ही मिलेगी। सो इफ देयर इज अ अनपोलराइज लाइट एंड इट इज पास थ्रू अ फर्स्ट पोलराइजर और आपने उसको पूरा 360 डिग्री घुमाया, तो भी यहाँ जो इंटेंसिटी है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। चाहे आप एंगल ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कोई भी एंगल आप रखो, दिस इंटेंसिटी विल नॉट चेंज। मींस ऐसा क्यों हो रहा है, इंटेंसिटी तो चेंज होनी चाहिए। नहीं होती बेटा, थोड़ा डिटेलिंग में नहीं जा पाऊंगी ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट, जितना बोल रही उतना लिख लो, अगर मौका मिला आगे जाके तो आपको, हालांकि आप लोग को तो जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तक आपकी एग्जाम्स हो जाएंगी, बट इसको बहुत डिटेल में कराते हैं तो एक डेढ़ घंटा पूरा कराने में चला जाता है, बट टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से मैं आपको जितना बता रही हूँ उतना याद रखो। अनपोलराइज लाइट को फर्स्ट पोलराइजर से पास किया, तो आप उसको जो पोलराइजर है उसको आप 360 डिग्री भी घुमाओगे तो भी उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन हाँ इसके कंपैरेटिवली आधी हो गई। यहाँ 40 थी तो यहाँ 20 हो गई, यहाँ आई थी, यहाँ आई नॉट ले लेती हूँ, यहाँ आई नॉट है तो यहाँ आई नॉट बाई टू है, लेकिन आप इसको 360 डिग्री घुमाओ तो यह आई नॉट बाई टू ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। अभी नेक्स्ट, अगर ये पोलराइज्ड लाइट है और अगर आप इसको दूसरे पोलराइजर से पास कराना चाहते हो, जिसको हम एनालाइजर बोलते हैं, बिकॉज ऑलरेडी पोलराइज हो चुकी है ना, अब ये तो पोलराइज करने का काम नहीं करता है, इसने पोलराइज करने का काम किया, तो इसको पोलराइजर बोलते हैं, ये सिर्फ चेक करने का काम करता है, इसलिए मैं इसको एनालाइजर बोल रही हूँ। एनालाइजर, अगर ये जो लाइट है, अगर सपोज इससे ये नॉर्मल ऐसे रखा है, एकदम सीधा रखा है, तो यहाँ भी पूरी की पूरी इंटेंसिटी पास होगी, कुछ भी इंटेंसिटी में चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे टेढ़ा रखा, ध्यान से समझना बेटा, ऐसे जैसे इसके बीच में और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इंटेंसिटी का चेंज आता है। कितना चेंज आता है मैंने यहां बताया है, पहले आपकी अनपोलराइज लाइट है जिसकी इंटेंसिटी आई नॉट है, इसको हम फर्स्ट पोलराइजर से पास कर रहे हैं, तो इंटेंसिटी आधी हो गई, जिसको मैं आई नॉट बाई टू बोल रही हूँ। उसके बाद एक और पोलराइजर रखा है जो पहले वाले इससे थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ कितनी इंटेंसिटी होगी वो इसका, जो भी जैसे यहाँ आई है ना, तो आई कॉस स्क्वायर थीटा होगी। इसके बाद अगर आपने सपोज एक और रख लिया, इसके बाद हो सकता है आपने एक और पोलराइजर रखा बेटा, वो इस वाले से कुछ तो फाई एंगल बना रहा है, उसके पहले वाले से, उसके पहले वाले से फाई एंगल बना रहा है, तो यहां आप लिखोगे आई डबल डैश इज आई डैश कॉस स्क्वायर फाई, ऐसे आगे बढ़ते जाता है। तो यहाँ इंटेंसिटी अनपोलराइज लाइट में आई नॉट है, फर्स्ट पोलराइजर से पास होगी तो आई नॉट बाई टू हो जाएगी, उसके बाद जितने भी आएंगे तो जो पहले वाली इंटेंसिटी है इन टू कॉस स्क्वायर थीटा, या तो कॉस स्क्वायर एंगल बोल दू, थीटा, ठीक है ना, तो ये एंगल यहाँ पे थीटा है, यहाँ फाई है, तो यहाँ फाई है, जो भी ऐसे आएंगे, ऐसे 2, 3, 4, 50 कितने भी केस हो आप कर सकते हो। समझ में आया, अनपोलराइज लाइट की इंटेंसिटी अगर आई नॉट है तो फर्स्ट पोलराइजर से पास होने के बाद इंटेंसिटी आधी हो जाएगी, और अगर आप 360 डिग्री घुमाओगे तो भी इंटेंसिटी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अगर इसके बाद पोलराइज लाइट को अगर हम एक दूसरे एनालाइजर को रखें और अगर हम इसको 360 डिग्री घुमाएं तो हम क्या देखते हैं, सुनना, पहले अगर ये इसके जैसे ही रखा है तो पूरी आई नॉट यहाँ है, आई नॉट बाई टू, तो यहाँ भी आई नॉट बाई टू होगी। अभी मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया तो इंटेंसिटी कम हो गई, कम हो गई, कम हो गई, हो गई जीरो, परपेंडिकुलर पे जीरो हो जाएगी। फिर बड़ी 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 मैक्सिमम,
फिर कम हुई ऐसे जीरो एंड देन ऐसे वापस बड़ी 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 मैक्सिमम। मतलब अगर आप उसको पूरा 360 डिग्री रोटेट करते हो तो इंटेंसिटी दो बार मिनिमम होती है और दो बार मैक्सिमम होती है, लेकिन इस केस में नहीं हो रहा था। तो अनपोलराइज लाइट में कोई इंटेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, लेकिन पोलराइज लाइट में अगर आप 360 डिग्री घुमाते हो तो ऑब्वियसली बात है थीटा चेंज होते जा रहा है ना बेटा, तो तेरी इंटेंसिटी कम होते जाएगी, और जब थीटा 90 हो गया तो इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी। तो उस तरह से अपन करते हैं। अब पोलराइजेशन अचीव करने का एक और मेथड है जिसको हम ब्रूस्टर्स लॉ बोलते हैं। यहाँ एक ग्लास स्लैब है, ये अनपोलराइज लाइट है, अनपोलराइज लाइट ये भी सिंबल है, देखो दो सिंबल है ना बेटा, तो ये अनपोलराइज लाइट इस पे सर्फेस पे हिट की तो एक स्पेशल एंगल पे, हर एक एंगल पे नहीं होता, दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये पूरी तरह से पोलराइज्ड है, रिफ्लेक्टेड रे इज पोलराइज, रिफ्रैक्टेड रे की कुछ बात नहीं करनी है। इट माइट बी पोलराइज, इट माइट बी पार्शियली पोलराइज, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट इट, जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस रिफ्लेक्टेड रे। सो इफ दिस एंगल इज आई पी, ऑब्वियसली दिस एंगल विल बी आई पी एंड दिस एंगल इज रिफ्रैक्टेड एंगल आर पी। वॉट वी ऑब्जर्व इज की जो रिफ्लेक्टेड लाइट है कम्प्लीटली पोलराइज है, पहली चीज ये स्पेशल एंगल पे। दूसरी चीज, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। दो चीज देखी जाती है, एट अ स्पेशल एंगल कॉल्ड एज पोलराइजिंग एंगल द रिफ्लेक्टेड रे इज कम्प्लीटली पोलराइज एंड द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एंड द रिफ्रैक्टेड रे इज 90 डिग्री। तो मैंने वही लिखा, टोटल एंगल आई पी प्लस 90 प्लस आर पी इज 180, सो द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 माइनस पोलराइजिंग एंगल दैट इज आई पी। अब बेटा यहाँ पे से अपन को मिलता है साइन आई पी बाय साइन आर पी इज म्यू टू बाय म्यू वन दैट इज म्यू डी बाय म्यू आर। तो साइन आई पी बाय साइन आर पी, आर पी इज नथिंग बट, मैं लिख के बता दूं क्या, चलो देख लेते हैं यहाँ पे, साइन आई पी by sin rp is mu d by mu r, rp is nothing but 90 minus ip, जिसको हम cos ip बोल सकते हैं, तो ये tan ip mu d by mu r हो गया, ये standard formula है। अभी आपकी बुक में कुछ स्पेशल केस देते हैं, बेसिकली जो rarer medium होता है 90% of the case में आपका वो 1 होता है, तो formula हो जाएगा tan ip is mu या mu tan ip is mu या ip is tan inverse of स्पेशल केस है, अगर रेरर मीडियम 1 हुआ तो लगाएंगे, वरना अपना नॉर्मल वाला फॉर्मूला। रे ऑप्टिक्स में आप लोगों ने क्रिटिकल एंगल एक चीज पढ़ी थी, क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला था म्यू आर बाय म्यू डी, और यहाँ है म्यू डी बाय म्यू आर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ टैन आई पी इज 1 बाय साइन आई सी, बिल्कुल आप लिख सकते हो। ये भी एक टाइप का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, क्रिटिकल एंगल और पोलराइजिंग एंगल का रिलेशन, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दिया है। आई होप आपको समझ में आया, tan ip is mu d by mu r but sin ic is mu r by mu d। वो तभी होता है ना जब आप denser से rarer medium में जाते हो critical angle के लिए, तो वहां पे जो second medium होता है वो आपका rarer होता है, इसलिए mu r by mu d आया, तो mu r by mu d की जगह अपन sin ic डालेंगे, बट यहाँ तो mu d by mu r है तो हमने 1 by sin ic डाला, तो ये भी हमको एक beautiful सा relation मिल गया between polarizing angle and critical angle। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ जितना मैंने आपको पोलराइजेशन में बताया है उतना आपको समझ में आ गया होगा, ज्यादा और सोचने की जरूरत नहीं है, जितना बता रही हूँ उतना कर लीजिए, आप एग्जाम्स में अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, चलो जल्दी से कॉपी करिए। नाउ मूविंग अहेड, नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट इन लाइट। एक्चुअली पहले डॉपलर इफेक्ट साउंड में देखा गया और फिर ऐसा बोला गया कि अगर साउंड में देखा जाता है तो लाइट में भी देखा जाता होगा, और फिर ये कंक्लूड हुआ कि हाँ बिल्कुल ये लाइट में भी देखा जाता है। एक दो पॉइंट्स मेरे याद आ रहे हैं, दिमाग में मेरा बताना रह गया तो वो मैं बता देती हूँ। पहली चीज बेटा, जो डाइफ्रैक्शन है ना वो, यानी जो डाइफ्रैक्शन पैटर्न है, हमको तभी दिखाई देगा अगर जो स्लिट विड्थ है जो हमें ए से डिनोट कर रही थी, अगर वो अप्रोक्सीमेटली वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर है। मींस इफ स्लिट विड्थ इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तब हमको डाइफ्रैक्शन पैटर्न अच्छे से दिखाई देगा। मींस मैं बोलना चाहती हूँ कि जो ए है वो लगभग अगर लाइट के वेवलेंथ के बराबर हो तब हमको डाइफ्रैक्शन पैटर्न दिखाई देता है।
दूसरी चीज, जितना ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना ज्यादा डाइफ्रैक्शन अच्छे से दिखाई देगा। इसके लिए आपको डाइफ्रैक्शन पैटर्न साउंड में ज्यादा एक्सपीरियंस होता है कंपेयर टू लाइट, बिकॉज साउंड जो है उसकी जो वेवलेंथ है वो ज्यादा है, इसके लिए वो ज्यादा अफेक्टिव होता है इन साउंड कंपेयर टू लाइट। ये दोनों डाइफ्रैक्शन की बात है। एक इंटरफेरेंस की भी बात मेरे दिमाग में आ रही है बेटा। इंटरफेरेंस में जो हमारी पैटर्न बनती है वो आपको याद है, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, कुछ इस तरह से बनती है। तो जहां पे ब्राइट बनती है वहां इंटेंसिटी बढ़ जाती है, और जहां पे डार्क बनती है वहां इंटेंसिटी कम हो जाती है। अगर मैं यही चीज एनर्जी के टर्म्स में बोलूं तो इंटरफेरेंस में एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब ब्राइट पे एनर्जी ज्यादा होती है और डार्क की एनर्जी कम होती है, ब्राइट पे एनर्जी ज्यादा होती है और डार्क की एनर्जी कम होती है। मींस देयर इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, ये तीनों चीज दिमाग में आ रही थी तो मैंने बता दी। अब आगे बढ़ते हैं, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? जब भी सोर्स और ऑब्जर्वर, यहाँ पे सोर्स होगा और ऑब्जर्वर होगा, सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो जो फ्रीक्वेंसी है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, हमको वो एक्सपीरियंस नहीं होती, हमको फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बड़ी ज्यादा एक्सपीरियंस होती है। मींस इफ द डिस्टेंस इज डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज, जिसको हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। सो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस एंड अपेरेंट वेवलेंथ डिक्रीजेस। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है वेवलेंथ कम होगी। अगर यही चीज ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर बढ़ रहा है, then the apparent frequency decreases and the apparent wavelength increases. उसी के मैंने formulas यहाँ आपके सामने लिख दिए हैं। ये वाले formulas हम ज्यादा use नहीं करेंगे, हम यही वाले formulas use करते हैं। इसका भी reason है, मैं अभी आपको बता देती हूँ। अब क्या होता है बेटा, c आप सबको पता है, that is speed of light which is 3 × 10⁸। v is the speed of source with respect to observer. Nu is the actual frequency, nu dash is the apparent frequency. उसी तरह से lambda actual wavelength है और lambda dash हमारी apparent wavelength है। तो अगर distance कम हो रहा है तो frequency बढ़ेगी, तो इसकी वजह से numerator में plus और denominator में minus, और wavelength कम होगी तो इसके वजह से numerator में minus denominator में plus। तो ये जब हमारे नजदीक आ रहे हैं, आप ऐसा बोल सकते हो ऑब्जर्वर और सोर्स के बीच का डिस्टेंस अगर कम हो रहा है तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, टूवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, टूवर्ड्स लिख दो, क्लोज लिखने से अच्छा टूवर्ड्स बेटर रहेगा। ठीक है, अभी अगर दूर जाएंगे तो अपेरेंट फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ बढ़ेगी, तो न्यूमरेटर में माइनस और फ्रीक्वेंसी के, और डिनोमिनेटर में प्लस, और यहाँ पे वेवलेंथ में, न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस, ये जब दूर जाएंगे तब। बट मोर ओवर केस में ये जो v है ना, ये c से बहुत ज्यादा छोटा होता है, तो इसका आप ये टर्म को इग्नोर कर सकते हो। और यानी तो मॉडिफाइड फॉर्मूला हमको यहाँ पे कुछ इस तरह से मिलता है। ये फॉर्मूला यूज करने की आपको ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ये ही फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या कंडीशन है, v इज नॉट वेरी लार्ज कंपेयर टू c, यानी v छोटा है c के कंपेरेटिवली, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करें, दिस इज अ मॉडिफाइड वर्जन, वी कैन से दैट। ठीक है, कैसे आया, क्यों आया, वो सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, जितना बोल रही उतना ही याद रखना है। ठीक है बेटा, तो न्यू डैश का फॉर्मूला है न्यू 1 प्लस माइनस v बाई सी, और लैम्बडा डैश इज लैम्बडा 1 माइनस प्लस v बाई सी। यहाँ कब हम यूज करेंगे ये, जब टू वर्ड्स होगा तब ये यूज करेंगे, नजदीक जाएंगे तो बढ़ेगी ना बेटा, और दूर जाएंगे तो कम होगी। इसके लिए ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहां नजदीक जाएंगे तो आपका वेवलेंथ कम होगा, तो ऊपर माइनस और नीचे प्लस, अब एक दूर जाएंगे तो आपका वेवलेंथ बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद डिफरेंस के टर्म्स में पूछा, तो डेल्टा न्यू बाई न्यू इज वी बाई सी एंड डेल्टा लैम्बडा बाई लैम्बडा इज वी बाई सी। अब बेटा डेल्टा न्यू में न्यू डैश माइनस न्यू होगा कि न्यू माइनस न्यू डैश होगा, वो डिपेंड करता है। अगर न्यू डैश बड़ा है तो न्यू डैश माइनस न्यू कर दो, मतलब डेल्टा न्यू जो है ना वो दोनों भी हो सकता है, वो न्यू डैश माइनस न्यू भी हो सकता है और वो न्यू माइनस न्यू डैश भी हो सकता है, डिपेंड करता है। अगर नजदीक आएगा तो न्यू डैश बड़ा होगा तो उसमें से न्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना, अगर दूर जा रहा है तो न्यू डैश कम होगा तो न्यू में से न्यू डैश को सब्ट्रैक्ट कर देना। उसी तरह से जो डेल्टा लैम्बडा है उसका फॉर्मूला लैम्बडा डैश माइनस लैम्बडा भी हो सकता है,
या लैम्डा माइनस लैम्डा डैश भी हो सकता है। अगर दूर जाएंगे तो लैम्डा डैश बड़ा होगा तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा करना, अगर नजदीक आएंगे तो लैम्डा डैश कम होगा तो लैम्डा माइनस लैम्डा डैश करना। सो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको यूज करना है। चांसेस थोड़े से कम होते हैं इस पे क्वेश्चन आने के, ये वाले फॉर्मूलाज तो आपको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ज्यादातर ये वाले फॉर्मूलाज ही आते हैं। दूसरा एक और इसमें चीज है, दैट इज आप सबको सेवन कलर्स पता है बिल्कुल विद ग्योर, ठीक है। उसमें जो रेड लाइट है उसका वेवलेंथ मैक्सिमम होती है और जो वायलेट है उसकी वेवलेंथ मिनिमम होती है, जो रेड लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होती है और जो वायलेट लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। मतलब अगर मैं वायलेट से रेड की तरफ जाऊंगी तो वेवलेंथ तो बढ़ेगा और फ्रीक्वेंसी कम होगा। तो यहाँ पे आपको ऐसे दो वर्ड यूज करते होंगे, एक तो रेड शिफ्ट एक ब्लू शिफ्ट। मतलब कोई एक स्टार है जिसको अपन अर्थ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी सपोज ये होनी चाहिए थी, ये जो भी होगी ना, सेवन कलर्स होते हैं उनकी अलग अलग फ्रीक्वेंसी होती है, तो हमारे हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी ये होनी चाहिए थी। लेकिन हमने क्या देखा, उसकी फ्रीक्वेंसी हमको इसके जगह यहाँ पे कुछ मिली। अगर हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी मिली, अरे ऐसे कैसे, उसकी होनी तो ये चाहिए बट ये क्यों दिखाई दी, बिकॉज यानी बेसिकली वो रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है ना। रेड शिफ्ट मतलब आपकी वेवलेंथ बढ़ गई, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई, मतलब वो जो स्टार है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हमको दिखाई नहीं दे रही है। क्यों एक्चुअल दिखाई नहीं दे रही, वो जो स्टार है वो हमसे दूर जा रहा होगा, तो अगर वो हमसे दूर जा रहा है तो हमको उसकी अपैरेंट फ्रीक्वेंसी दिखाई देगी और अपैरेंट फ्रीक्वेंसी जो दिखाई देती है वो डिपेंड करता है कि वो नजदीक आ रहा है कि दूर जा रहा है। इस केस में अगर वो दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, वेवलेंथ बढ़ जाएगी, इसके लिए वो किस तरफ शिफ्ट हुआ, रेड की तरफ। मतलब वो जो स्टार है वो हमसे दूर जा रहा है, अगर उसकी जो फ्रीक्वेंसी हमको अचीव होती जो मिलती अगर वो इस तरफ शिफ्ट होती मतलब टूवर्ड्स ब्लू, तो हम ऐसा बोलते हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वेवलेंथ कम हो रही है, मतलब वो हमसे नजदीक आ रहा है। तो कोई भी चीज अगर आप ऐसा बोलोगे उसकी जो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी है वो टूवर्ड्स रेड शिफ्ट हुई, कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर हम फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं या वेवलेंथ देख रहे हैं, अगर वो टूवर्ड्स रेड शिफ्ट हो रही है मींस इट्स वेवलेंथ इज इंक्रीजिंग, इट्स फ्रीक्वेंसी इज डिक्रीजिंग और वो हमसे दूर जा रहा है। लिखो ये रेड शिफ्ट का मतलब, रेड शिफ्ट का क्या मतलब है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेस वेवलेंथ इंक्रीजेस मींस गोइंग अवे, वो हमसे दूर जा रहा है। और ब्लू शिफ्ट का क्या मतलब है, एक्चुअली वायलेट शिफ्ट भी बोल सकते थे, बोल में ब्लू शिफ्ट दे दिया बिकॉज ब्लू लाइट ज्यादा विजिबल होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वेवलेंथ डिक्रीजेस मींस इट इज कमिंग towards, समझ में आ गया। तो ब्लू शिफ्ट और रेड शिफ्ट, मतलब यहाँ कंफ्यूजन होता है, इसके लिए मैंने अच्छे से समझाया आपको कि रेड शिफ्ट का मतलब है फ्रीक्वेंसी का कम होना, वेवलेंथ का बढ़ना, मतलब वो हमसे दूर जा रहा है, बिकॉज दूर जाता है तभी तो फ्रीक्वेंसी कम और वेवलेंथ बढ़ती है। और दूसरा ब्लू शिफ्ट, ब्लू शिफ्ट का मतलब क्या है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वेवलेंथ कम हो रही है, मतलब वो हमारे नजदीक आ रहा है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं और ये वाले तो फॉर्मूलाज यूज नहीं होंगे, याद नहीं करोगे चलेगा, ये ही याद कर लेना, इतना सेक्शन आपको याद करना है, ठीक है। सो फाइनली वी आर डन विद वेव ऑप्टिक्स, अब टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप बाकी है, वो रे ऑप्टिक्स का भी बाकी है, तो मैंने सोचा कि उसको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम कंबाइन करके कर लेंगे। दिस इज गुड चैप्टर, मतलब अच्छा चैप्टर था, इसमें बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपके जो भी कंफ्यूजन है जो भी डाउट्स है वो पूरी तरह से क्लियर हो गए होंगे। अभी बस आपका एक ही काम बाकी है कि सारे नोट्स पूरी तरह से कॉपी तो कर लिए होंगे लेक्चर देखते देखते, अब उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करते रहिए। अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं या कुछ प्रॉब्लम है सो प्लीज यू कैन शेयर विद मी, यू कैन यानी आप कमेंट्स में डाल सकते हो, अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हो तो भी इट इज मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के लिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।